वेलकम टू जी टेक्निकल वाराणसी बच्चों आज हम जरा डिस्कस करेंगे जो अभी दो का पेपर हुआ था 19 तारीख को अभी हुआ 2021 में 2016 में यू पी टी प्लस सी का वैकेंसी जाए थे जूनियर इंजीनियर के लिए अभी उसका सोल्यूशन हुआ क्वेश्चन हुआ जो पेपर हुआ है 19 तारीख को हुआ है तो उसी का सॉल्यूशन करेंगे 19 दिसंबर को पेपर हुआ था उसी का एनालिसिस करेंगे फुल एनालिसिस करेंगे पेपर का जी आई टेक्निकल में फुल एनालिसिस पेपर का सॉल्यूसन कराएंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे सोलूसन आ रहा है कैसा क्वेश्चन दिया हुआ वैसे जो टेक बच्चे बता रहे थे कि नॉन टेक का पेपर थोड़ा टफ था टेक्निकल का पेपर ठीक था मतलब अटेम्प्ट कर ले रहे थे तो अच्छी बात है फिर भी देखते हैं आप लोग देख लीजिएगा आप लोग भी कैसा है उसको डिस्कस करते हैं आगे चल के प्रोसीड करते हैं ठीक चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं हम पेपर पे हमारे पास एक पेपर का सेट मिला हुआ है मुझे नहीं पता कौन सा सेट है ये पेपर का और उसी को हम वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे चलिए देखते हैं देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है हम पहला क्वेश्चन का डिस्कस करें अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिलिंग द बैलेंस करना है यू विच इज यूज टू मेजर हॉर्जेंटल एंड वर्टिकल एंगल ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑप्शन में दिया हुआ जिसका यूज हॉर्जेंटल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है तो देखिए पहला जो पहले बाकी जैसे हमें नहीं पता है डायरेक्ट कि कौन सा है तो ऑप्शन से, से भी हम आंसर आण, ला सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर क्या है पहला दिया है प्रिज्म प्रिज्म किस लिए यूज होता है बेटा प्रिज्म यूज होता है जब हम ऑप्शन डालते हैं तब के लिए कंपास यूज होता है ट्रेवर्सन करने के लिए या फिर एंगल हॉर्जेंटल एंगल ओनली मेजरमेंट करने के लिए वर्टिकल एंगल मेजरमेंट नहीं करते हैं है हमारा सेंटरिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो है उसको सेंटरिंग करने के लिए प्लम बाब का यूज किया जाता है तो बचा हमारा क्या थीडोलाइट तो थीडोलाइट जो है हमारा ऑप्शन सही है थीडोलाइट हमारा इसमें ऑप्शन सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेयर शुड द इम्प्लीमेंट द स्टील इन रेनफोर्समेंट इन सिंगली रेनफोर्स बीम सिंगली रेनफोर्स बीम में जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन इसमें दुनिया भर का दे रखा है कि जैसे देखिए सिंगली रेनफोर्स बीम हमारा ये होता है अगर ये सिंगली रेनफोर्स बीम है अब इसमें क्या है कहाँ पर अब ये क्या होता है हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया तो इस न्यूट्रल एक्सिस में इसके आप देखिए जो सिंगली रेनफोर्स बीम होता है उसमें मेन बार कहाँ प्रोवाइड करते हैं यहां बॉटम लेयर प्रोवाइड करते हैं यहां पर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम टेंशन जोन बोलते, बोलते हैं इसको कंप्रेशन जोन बोलते हैं तो इसमें से सा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा हमारा ये टेंशन जोन वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर दिया हुआ बच्चा ईडीएम कैन बी यूज देखिए आप फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए बोला है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है बोला ई डी एम कैन बी यूज टू अप टू रेंज ऑफ हंड्रेड किलोमीटर हंड्रेड किलोमीटर के रेंज में ई डी एम अगर यूज करना है तो कौन सा ऑप्शन सही है देखिए एक चीज़ ई डी एम आप लोग डिप्लोमा वाले जो बच्चे होंगे अभी तो उनको नहीं पता होगा EDM क्या होता क्योंकि पुराने सिलेबस में नहीं था अब जो बच्चे हैं वो पुराने वाले ही हैं। उसका रेंज जो होता है हंड्रेड मीटर किलोमीटर तक होता है और जो इंफ्रा आपका ईडीएम होता है वो तीन किलोमीटर तक के लिए टू थ्री किलोमीटर थ्री टू फाइव होता है थ्री किलोमीटर के लिए यूज करते हैं तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ये माइक्रोवेव और इंफ्रारेड और ये आपका हो जाएगा कौन सा डी uh, ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक इसमें से कौन सा ऐसा है जो गुड ब्रिक को ग्रुप जो ब्रिक होता है ना सबसे पहली बात इस ऑप्शन को करने से पहले क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो ब्रिक होता है उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रिक्स बनाने में तो देखिए स्टील ही होता है क्या नहीं होता है ब्रिक में ब्रिक का जो अर्थ होता है उसमें स्टील होता है क्या नहीं होता है गोल्ड होता है क्या नहीं होता है कॉपर होता है क्या नहीं होता है इन तीनों नहीं होते हैं तो होता क्या है इसमें ये होता है हमारा इसमें एलुमिना होता है ठीक है क्या होता है बच्चा एलुमिना होता है तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यह भी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन तो इसमें देखिए दिया है मेंशन ट्रस्ट जो मैंसन ट्रस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रस्ट जो मैंसन ट्रस्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें होता है तो ऑप्शन में दिया हुआ है परलिन रूप और क्यून पोस्ट ये तो खैर गलत हो गया क्यून पोस्ट केवल नहीं होता परलिन तो होगा तो सही है और उसके बाद स्लोप किंग पोस्ट स्लोप किंग पोस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता स्लोप किंग पो, क्यून पोस्ट भी नहीं प्रोवाइड किया जाता सटरिंग एंड किंग पोस्ट स्टार्टिंग एंड स्टार्ट तो हो स्टार्ट तो होगा लेकिन किंग पोस्ट भी होगा ठीक है ये ऑप्शन uh, कुछ रिलायबल सही लग रहा है लेकिन इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे uh, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि किंग पोस्ट और किंग पोस्ट दोनों यूज होगा तो ये ऑप्शन हमारा क्या है सही है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चा आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे फिर दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स करना है और कह रहा है कि फाइन एग्रीगेट कैन बी पास आई एस सी जो फाइन एग्रीगेट बेटा यहाँ पे दो चीज़ें हैं दो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान से सुननी है एक होता है एग्रीगेट एक होता है सॉइल अगर सॉइल को क्लासिफिकेशन करने के लिए बोलता है बेटा तो सॉइल फाइन सॉइल और कोर्स जो क्लासिफाइड किया जाता है वो होता है सेवेंटी फाइव माइक्रोन के सी से लेकिन यहां पे बोल दिया इसने एग्रीगेट तो एग्रीगेट को जो क्लासीफाइड किया जाता है 4.75 पॉइंट mm सेवन फाइव एमएम के सी से क्लासीफाइड किया जाता है तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चा यहां पे ऑप्शन आप आपका सी सही हो जाएगा 4.75 पॉइंट mm. सेवन फाइव एम ठीक है 4.75 पॉइंट mm सेवन फाइव एम एम आपका ऑप्शन आप सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है यू हैव ए प्लेन रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग लर्निंग देखिए यू हैव ए प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग लर्निंग लीनिंग ऑन द ग्राउंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग लिमिटेशन शुड बी रिमेन फॉर द थिकनेस ऑफ टी एट द एज ऑफ फुटिंग एज ऑफ फुटिंग और ग्राउंड बोला है देखिए बेटा ग्राउंड जब भी बोले तो वहां पर जो एज होगा फुटिंग का 150 सौ mm पचास से कम नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा ही होना चाहिए और अगर ग्राउंड ना बोल के फुटिंग बोला होता कॉलम का फुटिंग जो होता है वहां पर बोला होता बेस पे तो हो जाता हमारा हमारे चालीस एम एम mm से कम नहीं होता है तो यहाँ पे ग्राउंड बोला हुआ है बेटा बच्चा इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि यहाँ ग्राउंड बोला हुआ है तो ग्राउंड के लिए ऑप्शन जो हमारा होता है ये वाला सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा बोला विच ऑफ फाउंडेशन वे आर द लॉस ऑफ सॉइल एक्सटेंडेड टू ग्रेट डेप ऐसा कौन सा फाउंडेशन जिसमें अगर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा गहराई तक जाके है तो मतलब बेयरिंग कैपेसिटी मान लिया जाए एकदम खत्म है कम है एकदम बिल्कुल कम है तो कौन सा फाउंडेशन हम यूज करेंगे देखिए अगर बियरिंग कैपेसिटी कल सॉइल का जैसे ऊपरी सरफेस का थोड़ा कम होता तब तो रावट फाउंडेशन ग्रिलेश फाउंडेशन इन्वर्ट आर्च ये तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते थे लेकिन यहाँ पे बोला ग्रेट देव बहुत गहराई तक जाके भी इसकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं मिल रही है तो उस केस में क्या करना पड़ता है हमें पायल फाउंडेशन का यूज करना पड़ता है उसमें पायल को ड्रिल करके या फिर कैसे भी करके हम पायल का फाउंडेशन वहाँ पर बनाते हैं तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा आपका पायल फाउंडेशन हो जाएगा बच्चा यहाँ पर ऑप्शन मतलब कौन सा हो जाएगा पायल फाउंडेशन हो जाएगा ठीक है तो मैच कराते चलिएगा अपने पेपर से बाकी आगे बढ़ते चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे की ये पता नहीं क्वेश्चन कहां से पूछा हुआ है कैसा है लेकिन वेलोसिटी करेक्शन इसके साथ साथ इसमें किस में नहीं अप्लाइड होगा तो जो अगर देखा जाए फ्लू मैकेनिक्स से उठाया गया क्वेश्चन तो देखिए <coughs> यहाँ पे एटमासमेरिक एरर ये सब कुछ तो सही लग रहा है लेकिन एक ये डी वाला ऑप्शन जो है सेटेलाइट वाला ये ऑप्शन कुछ अलग लग रहा है तो यहाँ जो वेलोसिटी करेक्शन के लिए जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सेटेलाइट एरर के लिए वेलोसिटी करेक्शन का यूज नहीं करते हैं वेलोसिटी करेक्शन फ्लूड में या फिर गैसेस में यूज कर लेंगे इसको ठीक तो यहाँ पे तो नहीं यूज होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स क्या ये मैच कराने के लिए दिया हुआ है मैच कराने के लिए दिया हुआ है इसका ऑप्शन भी देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है देखिए बोला है कोगलैंड इंफेक्शन और फ्लोकलैंड और सेडिमेंटेशन देखिए यहाँ से अगर दो तीन चीजें हमें पता चल जाए ना दो तीन चीजें अगर हमें हम इस इसमें से पता चल जाए तो हम ऑप्शन को सही कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ठीक है दो तीन ऑप्शन अगर सही हो जाए तो हम उसको कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक देखिए तो इसमें क्या है कि अगर चलिए कुछ नहीं पता है तो कम से कम सेडिमेंटेशन वाला तो पता होगा सेडिमेंटेशन वाला तो पता होगा कि इसका क्या होगा जैसे सेडिमेंटेशन है तो उसमें इसमें से ऑप्शन मिलाएंगे कौन सा होगा तो इसमें देखिए अलाउ रिमेन पार्टिकल इन टू सेटल जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें क्या होता है पार्टिकल को हम सेटल कराते हैं उसको हम सोचते हैं यहाँ पे सेटल हो जाए तो यहाँ पर पहले तो फोर्थ का अगर देखा जाए तो फोर्थ का वन ऑप्शन है तो फोर्थ में वन किसमें किसमें है इसमें इसमें तो दो ऑप्शन हमारा कट हो गया ए और बी क्या हुआ कट हो गया बचा हमारा दो ऑप्शन दूसरा देखिए अगर कि डिसइंफेक्शन कब करते हैं डिसइंफेक्शन करते हैं बैक्टीरिया को जो उसमें प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया वगैरह और उनको आ, मारने के लिए यूज किया जाता है तो यानी कि क्लोरीन और ओजोन ये सब चीज़ें उसमें यूज किया जाता है केमिकल जिससे वजह से आपका बैक्टीरिया को मारा जा सके तो दूसरा ऑप्शन जो है दूसरे का थ्री तो सेकंड में थ्री किसमें किसमें है सेकंड में थ्री सेकंड में थ्री बी थ्री चलिए ये ऑप्शन आपको दिख गया यही ऑप्शन सही है बाकी ज़्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है तो इसमें ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा कि पहले का बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसी तरीके से जब भी मिलाने वाला क्वेश्चन देता है बेटा अगर सारा मिलाने लग जाओगे फिर आंसर बताने जाओगे ना तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था आपका यूपीटी प्लस सी ढाई घंटे का पेपर और तो उसके साथ 120 क्वेश्चन थे तो टाइम तो सफिशियट था लेकिन अगर यहीं पे न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा दे देता था आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है दैट्स वाई हमें सारा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है बस यहाँ से मिलाते चलना है कौन सा ऑप्शन कट हो रहा है ऑप्शन से मिलाना है कौन सा ऑप्शन कट रहा है इसके अनुसार हम सारा क्लियर करते चलेंगे इस तरीके से होता है क्या कि अगर एक दो चीज़ें हमारी छूटती भी हैं तो यहाँ से हम उसको कवर कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इसका सही नहीं दिख रहा है ठीक है ऑप्शन आ गया इसका देखिए ये दिया हुआ यहाँ पे फिर से मैच कराने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है इधर दिया हुआ कि कंक्रीट मिक्स कंक्रीट मिक्स दिया हुआ है मिक्स रेशियो दिया हुआ है इधर इधर मिक्स रेशियो दे दिया कंक्रीट का मिक्सड रेशियो इधर इसकी प्रॉपर्टी दे दी कि कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है तो उसके लिए क्या क्या अप्लाई करेंगे ये चीज़ देखना है तो उसको हम देख लेंगे कैसे कैसे होगा ठीक है बेटा तो इसका देखेंगे कैसे कैसे होगा तो देखिए पहले बात कि ये देखो हैवी स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा क्योंकि इसमें सीमेंट जो है सीमेंट और सैंड का कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है बहुत ही कम है तो इसके लिए हैवी स्ट्रक्चर आर सी सी कॉलम देखिए हाँ फिर ये पहले का फोर्थ हो जाएगा पहले का फोर्थ तो पहला ऑप्शन इसमें से एक हो जाएगी जिसमें पहले का फोर्थ हो तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन आप आपका कैंसिल आउट हो गया ठीक सी वाला कैंसिल आउट हो गया उसके बाद उसके बाद देखेंगे एक ये वाला चीज़ है जो इस ये हमें पता होगा कि ये क्या है ये आर सी कंक्रीट तो है लेकिन इसको आर में यूज नहीं किया जाता है आर में यूज नहीं किया जाता है ठीक है तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा देखिए फूटिंग वगैरह का जो बेड कंक्रीट बनाते हैं ना वहाँ पे इसका यूज करेंगे तो डी का कौन सा वन तो देखिए इसमें से मिलाएंगे कि जिसमें फोर का वन का फोर हो और डी का वन हो फन फो, का फोर हो और डी का वन वो oh. तो चलिए ये वाला ऑप्शन आपका मिल गया बाकी हमें मिलाने की जरूरत नहीं है तो ठीक है आपका डी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा डी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि बाकी जो हमें ये तो श्योर है कि ये जो वन फाइव टेन है वो फाउंडेशन uh, का फूटिंग के लिए यूज किया जाता है फाउंडेशन या फूटिंग का बेड बनाने के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है बच्चा आगे बढ़ते हैं फिर आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा ज्यादातर क्वेश्चन जो मिलाने वाला होता है ऑप्शन से सही हो जाता है मिलाने वाला क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे आपको Conference होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा यह क्वेश्चन है आपका जिसमें बोला हुआ कि इसमें से क्वार्ट्स सेंड कौन सा है क्वार्ट्स सेंड कौन सा है इसको आपको फाइंड आउट करना था तो देखिए चार फिगर दिया हुआ था चार फिगर दिया हुआ था इस तरीके से आपका ये फिगर ये फिगर ये फिगर तो जो क्वार्ट्स वाले होते हैं सैंड पार्टिकल जो होता है क्वार्ट्स सैंड सैंड के पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं अगर कोई भी सैंड स्टोन है तो उसमें उसको पार्टिकल हमें लगेंगे कि छोटे 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 सरसों की तरह दिखाई देते हैं या फिर बालू जैसा होता है ना बालू सेंड उसकी तरह दिखाई देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आई बी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आफ्टर एनालिस द फ्लो मीटर यू ऑब्जर्व दैट इट हैज इन स्टेट लेंथ बिफोर द आफ्टर द मीटर कह रहा है कि अगर ऐसा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है जिसमें आपको मीटर जो लगा हुआ है मीटर जो मेजरमेंट करता है आपका फ्लो को फ्लो uh, का डिस्चार्ज uh, मेजरमेंट करता है कि कितना जा रहा है वो मीटर से कुछ पहले और मीटर के कुछ बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका पाइप है कोई ये पाइप हो गया कोई एक मिनट एक मिनट ये आपका यहाँ पे मान लेते मीटर है ये पाइप है ये मीटर ये पाइप है तो ये ये बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि जो पाइप यूज किया जाता है ये क्यों स्ट्रेट ये होता है जहाँ पे मीटर यूज किया जाता है तो बच्चा जो स्ट्रेट होता है ना तो जो फ्लो प्रोफाइल बनता है विद इन फ्लो मीटर वो उसके लिए यूज होता है तो यहाँ से ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जो आपका फ्लो होता है उसको हम सोचते हैं कि लेमिनार फ्लो रहे है, मीटर से पहले मीटर के कुछ बाद ताकि हमें एरर ना आए मीटर में वो ऐसा यूज किया जाता है तो यहां पर आपका ऑप्शन आप डी सही हो जाएगा बच्चा आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे क्वेश्चन कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें बोल रहा है कि Uh, is the term used to define the break cut in such a manner that the one f long face remain uncut ऐसा कह रहा है कि ऐसा कौन सा आपका ब्रिक है जिसमें अगर कट किया जाए तो उसका लॉन्ग फेस जो है रिमेन से जैसा पहले था वैसे ही अभी भी रहे तो इस अब देखिए ये ब्रिक को कट करते थे इसका सारा आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा सारा कुछ कि कैसा कैसा कट करेंगे तो क्या क्या, क्या चीज़ें होता है तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि लॉन्ग फेस रिमेन अनकट रहेगा लॉन्ग फेस अगर अनकट रहता है तो यहाँ से आप वो उसको बोलते हैं क्लोजर क्या बोलते हैं उसको क्लोजर बोलते हैं क्लोजर ब्रिक बोलते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा बच्चा

बी का 1 तो देखिए जो सेल्फ रीडिंग स्टॉप होता है ना सो आप उसमें क्या होता है रीडिंग खुद ब खुद आता है तो इंटरसेक्शन अगर यहाँ पे देखिए जो एक मिनट पहला ऑप्शन ए तीसरा बी का थ्री, थ्री थ्री, द रीडिंग अचावेज टेकन इन टेलिस्कोप एंड इन्वर्टेड, इनवर्टेड टेकन फ्रॉम टर्नड देखिए इसमें ऑप्शन आप आपका ए हो जाएगा देखिए जो ए होगा क्यों होगा बता रहा हूं इसमें क्या आप पहले देखेंगे जो स्टाफ है पहला जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ है वो क्या होता है उसमें स्मालेस्ट डिवीजन होता है फाइव एम का लेंथ इज अबाउट थ्री मीटर थ्री मीटर इसका लेंथ होता है जो आपका सेल्फ रि, 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 रीडिंग स्टॉप होता है वो वाला तो इसमें आपका ये वाला पहले वाले का तो पहला वाला ही सही हो जाएगा तो इसमें से मिलाएंगे कि पहले का पहला कौन सा सही है तो ये ए ऑप्शन आपका सही लग रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा बाकी सब में ए का थ्री ए का थ्री ए का थ्री इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको नहीं देखना है बाकी आपका इससे मिला लेंगे जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चा आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा है आपका दिया हुआ ये इन्वायरमेंटल uh, से क्वेश्चन है उठाया हुआ है बोल रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स करना है इज रिफर टू डिस्पैच द सॉलिड लिक्विड पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक साइज इन एयर कह रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक uh, साइज का जो पार्टिकल होंगे अगर एयर में मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते क्या है वो होता क्या है बच्चा तो यहाँ पर वो उसको बोलते हैं एयर सोल तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा उसको एयर सोल बोलते हैं ठीक है बच्चा क्या बोलेंगे एयर सोल बोलेंगे उसको ध्यान रखना है एयर सोल बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये भी सर्वे से क्वेश्चन बेटा सर्वे से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है लगभग तीस से चालीस क्वेश्चन पैंतीस से चालीस क्वेश्चन सर्वे से ही आ गया है तो सर्वे अगर जिनका बढ़िया से स्ट्रांग रहा होगा तो उनका तो बल्ले बल्ले ही है चलिए देखते हैं फिर इसमें क्या बोला हुआ है कह रहा है कि हॉर्जेंटल डिस्टेंस ऑप्टेंड बाय द टेक टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन जो हंड्रेड हॉर्जेंटल डिस्टेंस है मेजरमेंट गया है हॉर्जेंटल डिस्टेंस ऑप्टेंट बाय द टेक्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स करना रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन ये गलत है स्लोप करेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है नेक्स्ट है रिक्वायर्ड पुल करेक्शन ये भी गलत है रिक्वायर्ड ना डू नॉट रिक्वायर्ड स्लोप एंड पुल ये सही है बेटा आपका सी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा सेवनटीन में से सेवेंटीन का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेवनटीन का सी ऑप्शन सही होगा हो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है इन ऑफ मेट विश ऑफ द मेटल इज यूज टू रिप्रेजेंट फॉर प्रैक्टिस पेंटिंग देखिए इंडियन ब्रिज में अब यहां पर बोला है कि इंडियन रेलवे जो यूज करता है ब्रिज यूज ब्रिज में आप उसको आप क्या कहते हैं क्रोजन वगैरह से अगर बचाने के लिए बात किए तो किस पर कौन सा यूज किया जाता है इसमें उसका मटेरियल कौन सा मटेरियल मैटे, को यूज करके उसको प्रोसेस किया जाता है कि उसमें जंग वगैरह ना लगे तो उसमें बच्चा यहाँ पर सीधे ऑप्शन आपका जिंक है जिंक ही होगा पहले कॉपर तब होता है जब टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर कॉपर का यूज कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर जिंक अब यूज करते पहले करते थे कॉपर लेकिन टेस्ट में अगर देखा जाए तो जिंक यूज करते तो यहाँ पे जिंक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है बच्चा जिंक ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया है देयर आया कि सम्मर्ज ब्लॉक मेकिंग जीरो एंगल अच्छा जीरो एंगल बना रहा है बेटा जीरो एंगल बना रहा है मतलब समझ रहे हो आपका जीरो एंगल बना रहा है ये कोई पार्टिकल इसमें सम्मर्ज है बॉडी में और इसके साथ जीरो एंगल बना रहा है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा तो यहाँ पर ऑप्शन यही सही हो जाएगा किसके लिए है फ्रूट प्रेशर के लिए फ्रूट उसके लिए है हाँ जो प्रेशर जनरेट हो रहा है प्रेशर फोर्स के लिए ये फार्मूला हो जाएगा आपका ए एक्स एक्स को यहाँ पे बोला हुआ है कि गौज प्रेशर है तो आपका फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है आ, फोर्स इक्वल टू हो जाता है प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा ठीक फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अगर बेटा कुछ एंगल दिया होता तब तो एंगल के साथ यहाँ पे कुछ हम ले लेते ले कि साँधी थीटा साइंथीटा थीटा वाला यूज कर लेते तब तो ठीक तो था ए एक्स साइन थीटा ठीक वो तो ठीक है अगर यहाँ पे एंगल जीरो बोला हुआ था ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए यहां पे बोला हुआ है कि आपको ये रिमूवल आप रिमूवल प्रोसेस क्या है, उसको उसको, उसको कैसे कैसे रिमूव करेंगे वो चीज बोला हुआ है तो उसको देख लेंगे और यहां से वन बाय वन करके देखते चले जाएंगे सबसे पहले किसको हटाते हैं और किसको नहीं हटाते हैं ठीक है ये देख लेंगे सबसे पहले किसको हटाएंगे देखिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वर्टिकल फेस जो होता है वर्टिकल फेस किसी भी स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ जो फॉर्म वर्क हटाने की बात कर हैं सटरिंग या फॉर्म वर्क की बात करें जो रिमूव किया जाता है तो सबसे पहले रिमूव किया जाता है जो वर्टिकल इस्ट्र... आपका फेस होता है उससे हटाया जाता है तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है असेंडिंग uh, ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में हटाना है कौन कौन सा हटाएंगे हाँ तो देखिए सबसे पहले ये वर्टिकल फेसेस वाला तो ये पहले ये ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा दूसरा बात करें सी किसमें किसमें देखिए अब तक ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया दूसरी बात करें उसके बात तो उसके बाद कौन सा हटाते हैं तो उसके बाद बेटा हटाते हैं सटरिंग ऑफ फार्मिंग जो सॉकपिट ऑफ सॉकपिट स्ल, ऑफ स्लैब स्लैब का जो सॉकपिट प्रोवाइड किया जाता है उसके बाद उसी को हटाते हैं तो यानी कि इसके बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा ए वाला तो अब देखिए ये भी कैंसिल आउट तो आपका ऑप्शन कौन सा डी देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपको ऑप्शन से रिलेटेड करना पड़ेगा अब सारा आप अरेंजमेंट करने लग जाएंगे वन बाय वन करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो बेटा फिर तो टाइम जाएगा यहां से आपको ऑप्शन से ये देखना है कौन सा ऑप्शन पहले कट रहा है एक चीज आपने आपको दो चीजें अगर कन्फर्म है दो चीजें कन्फर्म है तो आपके ऑप्शन जो है ना करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं चारों याद नहीं है तब भी ठीक देखिए जैसे यहाँ पे दो ही तो किया हमने कि एक हमें यह पता था कि सटरिंग फार्मिंग वर्टिकल फेसेस सबसे पहले वर्टिकल फेसेस वाल हो या फिर आपका कॉलम हो सबसे पहले उसको हटाते हैं 16 से 24 घंटे के अंतराल पे तो उसको हटाते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं जो सॉकपिट का स्लैब होता है उसका हटा देते हैं दो ऑप्शन मैंने किया तो ये वाला ऑप्शन आपका कट हो गया तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो गया डी ऑप्शन आपका सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिलाते चलेंगे अपना सब कुछ देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत अच्छा आरसीसी से क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिवेंट दीयर सीयर को प्रिवेंट करने के लिए आरसीसी में क्या चीज यूज किया जाता है क्या चीज यूज किया जाता है सीअर को प्रिवेंट करने के लिए तो बेटा केविंग नहीं टेम्परिंग नहीं सुपर so, हीटिंग uh, नहीं हीटिंग का तो कोई बात ही नहीं आ रहा है तो ये तीनों ऑप्शन गलत हुआ तो बचा क्या डायग्नल टेंशन तो डायग्नल टेंशन ही प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों ने पढ़ा होगा सीयर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ तो वहाँ पे पढ़ा होगा आपने कि डायग्नल टेंशन स्टीरप्स वर्टिकल स्टिरप्स और जो बेंटअप बार वगैरह है ये सब यूज किया जाता है सीयर को प्रिवेंट करने के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डायगनल टेंशन ऑप्शन डी सही है यहाँ पे ऑप्शन आप आपका डी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे फिर अरेंज करने के लिए बोला हुआ है अरेंज करने के लिए बोला हुआ है कि पहले कौन कौन सा चीज़ करते हैं अरेंज द फॉलोइंग एसेंडिंग ऑर्डर तो, तो रेडिएशन मेथड रेडिएशन मेथड में पहले क्या क्या चीज़ यूज करते हैं देखिए प्लेन टेबल की बात हो रही है तो प्लेन टेबल में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा वो चीज़ हमें पता होगा सबसे पहला काम करते हैं हम कि एक पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट को रखना है और सेंटरिंग करना है पहला क्या पॉइंट डिसाइड करना है फिर क्या करना है आपको उसको क्या है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रखना है और सेंटरिंग करना है ठीक दूसरी बात नेक्स्ट बात करें अगर तो उसके बाद हमने करना होता है कि जो आपका डायरेक्शन को हम वहाँ पे शो कराते हैं कंपास के हेल्प से डायरेक्शन शो करा लेते हैं फिर पॉइंट जो जो दो पॉइंटों के बीच में हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करना है वो दो पॉइंट को मेजरमेंट करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसके बाद रेडिएशन डालते हैं वन बाई वन करके दोनों दो पॉइंट से जाके रेडिएशन डालते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं ठीक है तो यही यही प्रोसेस है तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है इसको देख लेंगे ये है आपका ए ठीक चलिए ठीक है उसको देखेंगे कौन कौन सा सही हो सकता है सेलेक्ट द पॉइंट चलिए पहले नंबर पे जाएगा पॉइंट सेलेक्ट कर लिए दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो कौन सा होगा कि ज्वाइंट द पॉइंट ए बी सी डी नहीं मार्क द डायरेक्शन ऑफ मार्जिन मैग्नेटिक डिफरेंशन ये तो तीसरे नंबर का हो गया सेंटर ऑप्शन ए भी नहीं सही है ये भी नहीं सही है सेलेक्ट द ओ लेवल तो सेलेक्ट द पॉइंट ओ एंड द सेलेक्ट देख ये ऑप्शन सही है आपका ई वाला इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आएगा ई दूसरे नंबर पे आएगा आपका ई तीसरा बात करें तीसरे नंबर पे जब पॉइंट आपने अब क्या किया कि पॉइंट सेलेक्ट कर लिया उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रख दिया उसके बाद नेक्स्ट काम होता है ओरिएंटेशन करना ओरिएंटेशन करूं या फिर पहले क्या करते हैं मैग्नेटिक जो डायरेक्शन uh, होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ शो करते हैं नॉर्थ शो करते हैं इस तरीके से एरो बना के यहाँ पे एन लिखते हैं ना वो वाला शो करते हैं कंपास के हेल्प से तो ये आ जाएगा फिर सी आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पे चौथे की बात करें चौथे की बात करें तो ए uh, e और सी तो कंप्लीट हो गया the, हा, सेंट्रिंग हाँ उसके बाद सेंट्रिंग द एलिडेट कर लेते हैं डी आपका सही हो जाएगा इसमें फिर डी सही हो जाएगा फिर उसके बाद पांचवे नंबर पर क्या करते हैं पांचवे पे कर लेते हैं मेजरमेंट हाँ पांचवे पे आप कर लेंगे ये एफ ये यहाँ से ऑप्शन मिला के भी कर सकते थे चार ऑप्शन तक तो अगर देखिए ए ई ए तो है फिर डी भी वाला भी है चौथा हमने कर लिया ये सी कर लिया सी अब यहाँ पे देखिए ए ई e, सी है यानी दो ऑप्शन तो ये पहले ही कट हो गया था और ए सी और डी यहाँ तक भी दिया हुआ है इसके बाद एफ़ वाला मिलाना है यानी चार पाँचवें नंबर तक जाके हमारा ये क्लियर हो सकता है तो पाँचवें नंबर पर हमारा जो हो जाएगा बेटा मेजरमेंट डिस्टेंस ओ ए ओ जो ओ जो मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस ओ ए भी वो वाला करते हैं उसको डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आप ए आपका सही हो जाएगा जिन्होंने फील्ड में काम किया होगा ठीक है फील्ड का मतलब कि कॉलेज टाइम में सर्वे किया होगा प्लेन टेबल सर्वे उनको पता होगा कैसे कैसे करते हैं तो प्रोसीजर पता है तो आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ ऑप्शन ये सही हो गया था आपका देखिए यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि विच आवांग द फॉलोइंग मोड ऑफ मेजरमेंट ट्रू कैलकुलेटिंग द डैम प्रूफिंग कोर्स डैम प्रूफिंग कोर्स करने के लिए कौन सा इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है सही है उसको मेजरमेंट करने के लिए तो पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको जो डैम प्रूफिंग होता है ना उसको हम एरिया के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं उसका थिकनेस स्पेसिफाइड होता है थिकनेस क्या करता है स्पेसिफाइड होता है तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे टिपिकली गिवन टिपकलीब क्यूब नहीं क्यूबिक मीटर में नहीं होता है इट इज मीटर पर थिकनेस हाँ देखिए ये ऑप्शन सही है कि ड्राइंग में थिकनेस दिया रहता है उसके हेल्प से मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका ये आपका इस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये एक इसका अलग सीन है देखिए यहाँ पर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो आइडेंटिफाइड द वन दैट कैन बी एस्टिमेट द यूजिंग द सेंट्रल लाइन मेथड सेंट्रल लाइन मेथड से ना हम किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर हो कोई भी शेप हो उसका हम आपको एस्टिमेटिंग कर सकते हैं तो यहाँ से जो हेक्सागोनल सर्कुलर एक्टोगनल दिया ये तीनों ऑप्शन सही है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चा डी ऑप्शन सही हो जाएगा सेंट्रल लाइन मेथड से सब कुछ यूज कर हर प्रकार के शेप का हम कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ट्वेंटी फाइव की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में देखिए बच्चा दिया हुआ है कि कंसीडर द टी बीम स्ट्रक्चर फॉर द लाइट लोडिंग ऑफ कंटिन्यूस बीम व्हाट इज द रेंज ऑफ रेशियो बिटवीन द टोटल डेप्थ एंड टोटल स्पैन डैप टू स्पैन रेशियो पूछा हुआ है डैप टू स्पैन रेशियो पूछा हुआ है तो बेटा ये बेटा ये होता है ना वन अपॉन फिफ्टीन से लेकर के वन ट्वेंटी तक होता है सॉरी ट्वेंटी तक, तक होता है वन अपॉन ट्वेंटी तक होता है तो इसमें ऑप्शन देख लो आप कौन सा सही है ऑप्शन आप आपका डी सही है ठीक है ऑप्शन आप आपका डी सही है ये क्वेश्चन था ये तो ऐसे ही डिजाइन करते समय ही हमें पता होता लिखाया जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है क्या क्या चीज़ें रेंज में होती है ठीक देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको आर से उससे दिया हुआ है और उसके साथ साथ ये दिया है आपका किससे सेटलमेंट वाले क्वेश्चन उससे दिया हुआ है यानी कि आप बात करें अगर कंसोलिडेशन से ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कंसोलिडेशन से तो यहां पर पूछ रहा है अगर थिकनेस टी है तो इज आउट आ, आउट ऑफ कैलकुलेटिंग सेटलमेंट ऑफ सॉयल यू विच द कैल्कुलेट द फाइनल सेटलमेंट एट द देखिए फाइनल सेटलमेंट पूछ रहा है तो देखिए क्या होता है अगर जितने नंबर आप लेयर होते हैं जितने नंबर आप लेयर होते हैं इस तरीके से अगर इसे मैं बोलूँ डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू डेल्टा एच थ्री और डेल्टा एच फोर तो क्या करते हैं जितने भी सेटलमेंट वन बाई वन करके हो रहा है ना सबका क्या करते हैं सम निकाल देते हैं सबका क्या करते हैं सम निकाल देते हैं तो यहाँ से ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही है डिफरेंट ये तो गलत हो गया स्क्वायर uh, ये भी गलत हो गया प्रोडक्ट ये भी गलत हो गया यह ऑप्शन आप आपका ये सम वाला दिया हुआ सम इंडिविजुअल सेटलमेंट तो ये ऑप्शन आप आपका डी सही हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा डी सही होगा डी ऑप्शन आप आपका सही हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी लेयर दिया होता है प्रत्येक लेयर का जो सेटलमेंट दिया जाता है वो सबको ऐड कर देते हैं तब जाके हमारा टोटल सेटलमेंट पता चल जाता है कि कितना सेटलमेंट आया हुआ है उस स्वाइल पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अरे यार इसका तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर मैच द क्लास मैच करने के लिए बोला है मैच द क्लास बोला हुआ है मैच द क्लास बोला हुआ उसको है उसको कैसे मैच कराना है उस चीज को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ कि filling the blanks the है कि फिलिंग द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया फिलिंग द ब्लैंक्स साफ करेक्ट ऑप्शन द प्रोसेस टू रिमूव रस्ट ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें रिमूव रस्ट को रिमूव करते हैं मिल स्केल ऑक्सीडाइजेशन से रिमूव करते हैं ओल्ड पेंट अगर ओल्ड पेंट है तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ओल्ड पेंट है और रिमूव उसका रस्ट जो लगा हुआ है उस पर जंग लगा हुआ अगर उसको रिमूव करते हैं तो कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे प्रोसेस यूज करते हैं ब्लास्टिंग का क्या ब्लास्टिंग का यूज करते हैं ताकि जो पूरा उसका जो जंग वगैरह लगा हो पुराना तो पूरा पुराना जंग जो क्या हो रिमूव कर जाए ठीक है तो ब्लास्टिंग वाला यूज़ करते हैं यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा सरफेस वॉशिंग नहीं सही है तब होगा जब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है स्ट्रक्चर तब मैनुअल हीटिंग हीट मैनुअल हैंड क्लीनिंग बहुत टफ है ये इसमें भी क्लियर नहीं हो सकता फ्लेम फ्लेम वाले भी क्या करते हैं बहुत ज्यादा पुराना अगर रस्ट है तो उसको गर्म करके फिर से तोड़ते हैं एक तरीके से देखा जाए तो ब्लास्ट ही कर रहे हैं उसको ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा ब्लास्टिंग वाला सही हो जाएगा यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन आप आपका बी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल शुड बी यूज्ड ऐसा कौन सा वॉल्व है ऑप्शन दिया है पूछ रहा है ऐसा कौन सा वॉल्व है जिसको केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है दूसरे डायरेक्शन में उसको फ्लो नहीं करने देता है यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा दूसरे में नहीं होगा ठीक है जैसे आपका आ, हैंड पंप होता है हैंड पंप चलाते हुए पानी ऊपर आ जाता है फिर नीचे नहीं जाता है तो कौन सा वाल्व होता है होता? वहाँ पे वहाँ पर होता है रिफ्लेक्ट वाल्व होता है बेटा रिफ्लैक्स वाल्व होता है जो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो को फ्लो होने देगा अदरवाइज दूसरे डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने देगा जैसे अगर ये देखा जाए कि ये अगर कोई पाइप है ये कोई पाइप है यहाँ पर आपका क्या है वाल्व लगा हुआ है तो अगर इधर से फ्लो हो रहा है तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा फ्लो जाने देगा लेकिन इधर का पानी इधर नहीं आने देगा इस डायरेक्शन अगर फ्लो आ रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा इधर से उल्टा फ्लो नहीं होने देगा तो वो होता है रिफ्लेक्सड वाल्व रिफ्लेक्स वाल्व ठीक आगे क्वेश्चन में चलते हैं बेटा यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया था देखिए यहाँ पर बोल रहा है अरे ये तो फिर से क्वेश्चन आ गया क्या फिर से क्वेश्चन आ गया कौन सा क्वेश्चन है ये ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन ये तो सेवन एट टेन ये क्वेश्चन फिर से कहाँ से आ गए पेज ऊपर चला गया लग रहा है ये सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं फिर से आ गया इसको देखते हैं आगे जाके क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर थर्ट देखिए इस्टीमेटिंग से इस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैच कराना है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी पहुंच गए इस्टीमेटिंग कॉस्टिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है इसे क्या करना हमने मैच कराना है ठीक तो देखिए पहला डिटेल इस्टीमेटिंग किस लिए यूज किया जाता है डिटेल ऑफ द एडिशनल नहीं प्रिपरेशन फॉर नई इंक्लूड द डिटेल हाँ ये वाला ऑप्शन सही है पहले का कौन सा पहले का आपका ऑप्शन अगर देखा जाए कौन सा सही है तो पहले का थर्ड पहले का थर्ड इसमें देख लेंगे पहला थर्ड किस में है तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया बचा दो बी और सी बचा हुआ है बी और सी बचा हुआ है तो इनमें से मैच कराने की कौन सा ऑप्शन सही है दूसरा देखते हैं इम्प्लीमेंट्री एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट रेट इन एस अप्रो सॉरी ये तो इसका आगे लिखा हुआ सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है हाँ सप्लीमेंट्री मतलब वो जो एडिशनल जो आपका उसमें होगा ना एडिशनल चार्जेज होंगे उनको ऐड किया जाता है ठीक एडिशनल चार्जेज यानी बी का कौन सा हो जाएगा वन हो जाएगा बी का वन तो बी का वन किस में किस में है तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया बचा क्या आपका सी तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा बच्चा ऑप्शन से करोगे जल्दी कर लोगे ऐसे पूरा मिलाने चल जाओगे तो टाइम लग जाएगा उतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया था आपका सी ऑप्शन आप सही हो गया था ठीक ऑप्शन आप सी आपका सही हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आ गया यहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स करना है इंस्पेक्शन फॉर द एरिया ऑफ सर्वेइंग थ्रीडोलाइट जो थ्रीडोलाइट सर्वेइंग में बोल रहा है कि जब थ्रीडोलाइट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ किया जाता है प्रिलिमरी सर्वे पूछ रहा है कि क्या किया जाता है बच्चा तो यहाँ सिलेक्शन एंड मार्किंग ऑफ स्टेशन नहीं ये तो अगला दूसरा स्टेप हो गया मेज, मेजरमेंट ऑफ ट्रेवल्स पे ये भी नेक्स्ट ऑप्शन हो गया आपका प्रोसेस हो गया कंप्यूट कंप्यूटेशन ये तो सबसे लास्ट में होता है तो ये आपका आपका जो ऑप्शन आया डी रिकोनसेंस ये सबसे पहले किया जाता है किसी भी प्रकार का सर्वे अगर किया जा रहा है तो उसमें सबसे पहले जो चीज किया जाता है वो जा, किया जाता यानी कि सबसे पहले इसी को किया जाएगा तो यहाँ पर सही हो गया डी ऑप्शन सही हो गया, तरफ बढ़ेंगे बच्चा? पे आ गया हम तो यहाँ पे देखिए दिया है कि आउट ऑफ द रिप्रेजेंट दॉल एंगल बिटवीन मेरिडियन एंड ट्रू मेरेडियन करा है मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं ठीक तो देखिए ये अगर आपका मान लीजिए ट्रू मेरेडियन होगा ट्रू मेरेडियन होगा और ये आपका मैग्नेटिक मेरेडियन हो गया एम एम मैग्नेटिक मेरेडियन हो गया तो इसके बीच में जो एंगल बनता है इसी एंगल को क्या बोलते हैं वही चीज पूछ रहा है तो बच्चा ये आपको पता है कि डिफरेंट बिटवीन टू मेरेडियन एंड मैग्नेटिक मेरेडियन इज नोन एट डिक्लेनेशन ठीक तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डिक्लेनेशन सही हो जाएगा डिफरेंट बिटवीन टू ट्रू मेरेडियन एंड मैग्नेटिक मेरेडियन इज नोन एट डिक्लेनेशन ठीक ऑप्शन आप आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चलिए ये क्वेश्चन आ गया पेन पे लगने के बाद नहीं पड़ है ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा उसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर पेन से नहीं पड़ रहा है ना ऐसे यहीं से पड़ रहा है. चलिए ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बढ़िया ही है क्या कह रहा है कि इस सिंगल रूम है सिंगल रूम है सिंगल रूम है इस तरीके से ठीक और कह रहा है कि इसका जो साइज है सिक्स मीटर और इसका साइज फाइव मीटर यानी लेंथ सिक्स मीटर और बीस इसका फाइव मीटर है और उसके बाद बोल रहा है थिकनेस ऑफ जो वॉल है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वॉल कितना होगा ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक बच्चा थिकनेस ऑफ वॉल कितना दिया है ट्वेंटी सेंटीमीटर ये ट्वेंटी सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके बाद कह रहा है कि जो फाउंडेशन बना हुआ है जो फाउंडेशन बना हुआ है उसको बोल रहा है कि फाउंडेशन जो है इस तरीके से अगर फाउंडेशन है तो इस फाउंडेशन के बिर्थ बोल रहा है सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर और इसका डेप्थ बोल रहा है जीरो पॉइंट एट मीटर ठीक डेप्थ जीरो पॉइंट एट मीटर तो सेंटर लाइन मेथड से जरा कर लेते हैं जल्दी हो जाएगा हमारा या फिर आपको होल लाइन मेथड से करना उससे भी सही है तो अगर इसका सेंटर लाइन मेथड से करते हैं बेचा तो इसको क्या करते हैं इसके सेंटर तो सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सिक्स मीटर हो जाएगा क्यों क्योंकि आधा इसका आधा इतना एक वाल के बराबर हो जाएगा तो जीरो सिक्स पॉइंट टू हो जाएगा और इधर से भी अगर सेंटर लाइन मेथड अप्लाई करें दोनों वाल की तरफ शॉर्ट वाल और लॉन्ग वाल की तरफ अप्लाई करेंगे तो इसका फाइव पॉइंट टू हो जाएगा ठीक अब इसको एस्टिमेट करना है क्या इस्टीमेट करना है और जो अर्थ का एक्टिवेशन हुआ वो कितना हुआ है वही चीज़ आपको यहाँ पर इस्टिमेट करके बताना है चलिए तो देखते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे लॉन्ग वाल का अगर कैलकुलेशन करें नंबर ऑफ वाल कितना है दो है आपको प्रोफाइल पता होगा कैसे करते कर, कैसे करते हैं नंबर ऑफ आइटम होता है इंटू लेंथ होता है लेंथ कितना हो गया सिक्स पॉइंट टू हो गया इंटू बीड्स होता है इंटू हाइट होता है जीरो पॉइंट एट इसको देख लेंगे कितना आया हुआ इसके बाद बीड्स वाला जो आएगा ऑप्शन बीड्स के लिए करेंगे टू इंटू फाइव पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट एट ठीक इसको देख लेंगे कितना आएगा तो इनको कैलकुलेट करके देख लेते हैं जरा बच्चा इनको कैलकुलेट करके देख लेते हैं इनको कैलकुलेट करके देखता हूं तो टू इंटू सिक्स टू इंटू सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट एट इक्वल टू आ गया हमारा फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव पॉइंट नाइन फाइव टू आ गया मीटर क्यूब दूसरा वाला देख लेते हैं कितना आता है दूसरा वाला है टू इंटू फाइव पॉइंट टू इंटू पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट एट इक्वल टू आ गया हमारा फोर पॉइंट नाइन नाइन टू फोर पॉइंट नाइन नाइन टू क्या करेंगे एल प्लस बी को ऐड कर देंगे तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वही सही हो जाएगा एल प्लस बी को ऐड कर देंगे ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वही आएगा देखिए पाँच नौ दस ग्यारह हाँ तो दस आ रहा है टेन पॉइंट समथिंग आएगा इसका आप, तो टेन पॉइंट हाँ ये ऑप्शन आप आपका बी ऑप्शन आप यहाँ से सही हो जाएगा जो आपका इस्टीमेटिंग करना था तो नाइन पॉइंट टेन पॉइंट नाइन फोर थ्री आएगा टेन पॉइंट नाइन फोर थ्री आएगा मीटर क्यूब आ जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन आप जो होगा बी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा देखिए यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट द वाटर रिक्वायर्ड देखिए क्या बोल रहा है कैलकुलेट द वाटर रिक्वायर्ड और उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो दे दिया हुआ है वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है देखिए वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है कितना 0.6 पॉइंट सिक्स बाई वन ठीक 0.6 पॉइंट सिक्स बाई वन तो वाटर को कैलकुलेट कर लें अगर तो कितना होगा सीमेंट का वेट इंटू ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये लीटर पर लीटर पर के आया हुआ है लीटर पर के तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जीरो पॉइंट सिक्स और सीमेंट का वेट कितना दिया है सेवेंटी के जी तो ये हो जाएगा आपका सेवेंटी के जी सीमेंट का वेट दिया हुआ है तो ये आपका ऑप्शन जो आएगा फोर्टी टू के जी आ गया उसके ये तो फोर्टी टू के जी आ गया लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ कि यू एस गैलन में बतानी है कितना होगा उसके बाद यू एस गैलन का एक का आपको वैल्यू दे रखा है कितना होता है थ्री पॉइंट सेवन एट थ्री पॉइंट सेवन एट है तो क्या करना है देखिए बेटा यहाँ क्या करना पड़ेगा इस फोर्टी टू में थ्री पॉइंट सेवन एट का डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा इलेवन पॉइंट वन वन हाँ इलेवन पॉइंट वन वन ऑप्शन आ जाएगा तो नियर अबाउट जो सही है उसी को क्लिक करके यहाँ पे कर लेंगे ऑप्शन अपना सही तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा ठीक है ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका ठीक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर देखिए इसी तरीके करना वाटर सीमेंट रेशियो रेस्यू बहुत इजी क्वेश्चन था वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ था वाटर का वेट निकाल लो सीमेंट का वेट दिया हुआ है वाटर का कितना लीटर वॉल्यूम है वो निकालेंगे सीमेंट का वेट दिया हुआ है उसके बाद बोल रहा है कि एक यूएस गैलन इक्वल टू थ्री लीटर एक यूएस गैलन जो है थ्री लीटर है तो उसमें क्या करना जितना हमारा ये आंसर आया था उसमें थ्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर मिलने वाला है वो सही हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द टेक्योमेटिक सर्वे टेक्योमेट्रिक सर्वे के लिए कौन सा ऐसा है जो ऑप्शन इसमें से सही नहीं है ठीक है तो देखिये मल्टीप्लाइंग एडिटिंग ये तो होता है मल्टीप्लाइंग एडिटिंग होता है सब्सटेंस ऑफ बार ये भी होता है सब्सटेंस ऑफ बार भी होता है स्टेडिया मेथड ये भी ये तीनों मेथड यूज किया जाता है टेकोमेट्रिक मेथड में एक बचा रेडिएशन मेथड तो बेटा ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा रेडिएशन मेथड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये किस में यूज होता है ये यूज होता है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज किया जाता है ठीक है तो ऑप्शन कौन सा होगा थर्टी सिक्स वाले में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बेटा आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए यहाँ दिया हाइड्रोलिक आप है, लिप्स लिप्स वेस्ट डिफिक्ट एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक्स लिप्स देखिए हाइड्रोलिक्स दिया हुआ तो सीधी सी बात है देखिए जो हुक्स लॉ है तो है, आपका हाइड्रोलिक्स में यूज नहीं होने वाला ये यूज होता है आपका मटेरियल में ठीक है सोम वगैरह में तो आपका ये पास्कल वाला ज़्यादातर यूज होता है तो पास्कल ने बहुत रूल दिया था तो यहाँ से पास्कल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा ठीक क्या सही होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे जल्दी कराएँगे देखिए ये बोला हुआ है कि कैलकुलेट द कैपिटलाइज कैप कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करना है सीधी सी बात है शॉर्टकट तरीके से अगर देखें इसका तो कैसे करना हमने सीधी सी बात करना है इसका फिफ्टीन हंड्रेड क्योंकि फिफ्टीन हंड्रेड दिया है इंटू हंड्रेड बाई कर देंगे ठीक 100 बाई फाइव कर देंगे आ जाएगा थर्टी थाउजेंड यहां से ऑप्शन लेंगे कौन सा थर्टी थाउजेंड रुपये यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी सही है ठीक इस तरीके से कर लेंगे ज्यादा हमें फार्मूला अप्लाई नहीं करना है स्टार्ट कर तरीके से हमने करना है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन आप आपका थर्टी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कनेक्ट द लिक्विड स्टेट अच्छा लिक्विड स्टेट विद द लिक्विड सॉलिड स्टेट मिक्सचर अच्छा ये आपका सॉइल सॉयल मैकेनिक से ही क्वेश्चन रिलेटेड है कुछ सॉयल मैकेनिक से कुछ फ्लुड मैकेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है ये तो क्या होता है कि जब आपका लिक्विड सॉलिड से मिक्स होता है ना लिक्विड सॉलिड से मिक्स होगा तो वो जो लाइन बनता है जो लाइन उनके बीच में होता है उस लाइन को बोलते हैं सॉलिडियस क्या बोलते हैं सॉलिडियस तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा थर्टी का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चा थर्टी का ऑप्शन आप ए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर देखिए ये क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड कम्पैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ब्रिक कह रहा है कि स्टैंडर्ड कम्पैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ब्रिक का जो है प्रोसीजर क्या क्या है उसको अरेंज करके लिखना है ठीक है प्रोसीजर क्या है उसको अरेंज करके लिखना है तो ये चीज़ को देखेंगे क्या क्या अरेंज करके लिखना है हमने ठीक है तो इसमें अरेंज करने के लिए बोला हुआ है तो उसको पहले हमें इसका जो कम वो किया जाता है कि कैसे कैसे प्रोसीजर क्या क्या होता है इसको इसके विषय में हमें जानना पड़ेगा तभी जाके हम इसको अरेंज कर पाएंगे ठीक तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ब्रिक देखिए जो आपका आ, करना पड़ता है चलिए इसका समझ लेते हैं कैसे कैसे पहले स्टैंडर्ड स्टैंडर्डन टेस्ट जब करते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहला क्या करते हैं इस, इस स्पेसिमेंट सैंपल यानी ब्रिक ले, ले लेंगे पांच नंबर ऑफ ब्रिक ले लेंगे और उसको क्या करते हैं अच्छे से साफ करके उसको पानी में डुबा डुबा देते हैं ठीक ताकि उनमें जो थोड़ा बहुत तो एयर वगैरह हो या फिर कुछ कमी हो तो वो धूल धूल के साफ हो जाए अच्छे से सही हो जाए भीगने के बाद फिर उसका हम आ, वो करते हैं कंपेक्सन टेस्ट करते हैं ठीक और उसके बाद क्या करते हैं उस ब्रिक का ले जाके हम टेस्ट में जो आपका सी मशीन है उसमें रखते हैं फिर लोड अप्लाइड करते हैं बाद में पहला लोड कितने पर लगा हुआ उसका एरिया मेजरमेंट कर लेते हैं सरफेस एरिया कितना है उससे पहले जो उसमें फ्रॉग होता है ब्रिक में फ्रॉग में हम सीमेंट का वो ग्राउटिंग पेस्ट लगा देते हैं फ्रॉग को फिल कर देते हैं यानी जो आपका ब्रिक होगा इवन सरफेस जो उसका होना चाहिए प्लेन हो जाना चाहिए फ्रॉग को फिल कर देते हैं कंक्रीट से अथवा सीमेंट से और उसके बाद सी मशीन में ले जाकर टेस्ट कर लेते हैं लोड अप्लाइड कितना हुआ था कितने लोड पर क्रैक होना शुरू हो जाता है उस लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद इसके सर्फेस एरिया डिवाइड कर देते हैं हमें उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल जाता है तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है चलिए टेस्ट सैंपल हाँ तो इसमें पहले वो खोजेंगे कि जिसमें हमें वाटर में इसको इमर्ज कर रहा है पहला नहीं है दूसरा नहीं है फ्रॉग एंड इतना चलिए तो अलग सेकंड ऑप्शन हो गया तो ये आपका हाँ देखिए ये दिया हुआ है ई वाला दिया हुआ है ई कह रहा है कि आपका द ब्रिक इसमेंट आर इमर्ज इन वाटर एट ट्वेंट एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ऐड किया गया कितने 24 घंटे के लिए तो ऑप्शन आपका ई तो ई किस में किस में है ये वाला तो गया ई तीन बचा हुआ है ठीक तीन बचा हुआ है इसके बाद मैंने बोला था कि इसको निकाल के फिर साफ करके उसमें फिर क्या करते हैं सीमेंट पेस्ट का उसका सरफेस जो होता है जो उसमें गड्ढे होते हैं यानी फ्रॉक जो होता है उसको फिल कर देते हैं तो फ्रॉक को फिल करने देखिए दे, 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 यहाँ दिया हुआ है देन रिमूव द दे स्पेसिमेंट एंड ड्रेन आउट एनी सरप्लस मॉइस्चर एट रूम टेम्परेचर फिर उसको क्या कहते हैं पानी में से निकालते हैं उसको ईट को पानी में से निकाल कर उसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं आपका तो, कॉटन जो क्लोथ होगा उससे फिर उसको रूम टेम्परेचर पर रखने देते हैं तो इसके बाद पहले के बाद दूसरा क्या होगा ये वाला होगा दूसरा आपका ये हो गया पहला ये हो गया ठीक तो इसमें देखेंगे कि ई के बाद डी कौन कौन से है तो ये ऑप्शन गया बचा दो आपके पास इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद करते हैं कि जो फ्रॉग होता है उसमें वन बाय वन सीमेंट मोटर को लेकर फिल कर देते हैं तो ये आपका तीसरा वाला ये हो गया यानी तीसरा सी हो गया थर्ड सी हो गया तो सी किस में है इसमें है इसमें नहीं है यानी ऑप्शन आप आपका यहीं से खत्म बाकी तो खत्म हो गए ऑप्शन आप आपका कौन सा हो गया सी यहाँ ऑप्शन से करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा बच्चा सारा कुछ हमें जानना जरूरी नहीं है दो चार चीजें जान जाएंगे बाकी चीजें हम अपने से कर लेंगे तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन ने की तरफ बढ़ेंगे करने का तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से करते हैं टाइम कैसे बचाना है हमने अब पूरा करने लग जाएंगे तो हमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है ठीक देखिए यहाँ बोला है कि इ प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ शॉक एट द देंगरिज क्या कह रहा है कि जब आपका लकड़ी जो है ना पेड़ होता है जब पेड़ बढ़ रहा होता है उसमें पहले से किसी प्रकार से अगर चोट लग गया हो तो उसकी वजह से जो टिम्बर में शॉक लग जाता है यानी चोट लगा हुआ है तो उसकी वजह जो इ प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते क्या है तो बेटा इनमें से तो कोर्स ग्रेन फ्लोक स बल हाँ ये ऑप्शन सही है आपका बल्स बोलते हैं उसको बल्स बल्स बोलते हैं उसको जो आपका एंगर एज में ही उसमें चोट लग गया हो शौक लग गया हो उसकी वजह से आपको उसमें डिफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसको बल्स बोलते हैं ऑप्शन आप आपका डी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे बच्चा हाँ देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि हाँ बोला आइडेंटिफाइड गेट्स एक्मिलेटेड एट इस प्लेस ऑफ औरजिन ओनली ऐसा कौन सा सॉइल है जो उसका अपने ओरिजिन पे ही रह जाता है अगर उसमें वेदरिंग या ट्रांसपोर्टेशन एक्शन या हो रहा है तो अपने जहाँ पर उसका फॉर्म हुआ था वहीं पर रह गया सीधी सी बात है तो उसको बोलते हैं बेटा क्या उसको बोलते हैं रेजिडुअल रेजिड्यूल बोलते हैं ठीक है रेजिडुअल साइल और जो कुछ दूर चला जाता है वेदरिंग एक्शन हो जाता है ट्रांसपोर्टेड स्वाइल बोल देते हैं उसको ठीक है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा रेजिडुअल साइल सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो इसको ऑप्शन आपका बी सही होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा हाँ देखिए ये आपका सर्वे से क्वेश्चन दे दिया है प्लेन टेबल सर्वेइंग है देख के ही पता चल रहा है प्लेन टेबल सर्वेइंग है तो इसमें इसको बोल रहा है कि कौन सा डायग्राम अगर देख के बताइए कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है ठीक कौन सा ऑप्शन सही है तो देखिए पहली बात तो ये रेडिएशन मेथड है नहीं रेडिएशन मेथड में क्या करते हैं कि एक ही जगह आपका प्लेन टेबल रखते हैं वहीं से सारा चीज़ का आप रेडिएट कर लेते हैं रेडिएशन मेथड में आपका ट्रेवलिंग वगैरह करने के लिए आसान होता है उसके लिए करते हैं ओपन ट्रेवल मेथड नहीं क्लोज ट्रवेस मेथड नहीं तो आपका इंटरसेक्शन मेथड हो जाएगा ये ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा फोर्टी थ्री माले में इंटरसेक्शन मेथड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चा <coughs> हाँ देखिए इसमें दिया हुआ है कि आ, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल टूल्स फॉर द डायरेक्ट कम्पिटिशन ऑफ डायरेक्शंस दैट इज हॉर्जिटल एंगल डायरेक्ट कम्पिटिशन ऑफ हॉर्जेंटल एंगल को केवल मेजरमेंट करने के लिए बात किया है ठीक है ये सेंटेक्स और सर्वेयर कम्पास डी लेवल तो लेवलिंग के लिए होता है तो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया सेंटेक्स भी नहीं रहेगा बच्चा दो सेक्स टाइम्स भी नहीं रहेगा बच्चा दो आपका प्रिजमेट्रिक और सर्वेयर कम्पास तो सर्वेयर कंपास जो है उसमें आपको कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ती है डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस तरीके से देगा तो ये वाला भी हम कट हो जाएगा हमारा बचा क्या सर्वेयर कम, प्रिजमेटिक कंपास को हम कैरी कर, करके एक दूसरे से जगह एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं वहाँ पर आसानी से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं बच्चा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन अब हो जाएगा आपका प्रिजमेटिक कंपास ठीक आगे बढ़ते हैं इसको जरा इरेज कर दें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द दब्जॉर्ब हाँ व्हाट एब्जॉर्ब इन द यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट सॉइल एज पर जो सॉइल में वाटर कंटेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड को यूज करते हैं कौन सा केमिकल को यूज करते हैं तो देखिए है हमने पढ़ा हुआ है वाटर मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन सॉइल में सॉइल तो सॉइल में वाटर को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या मेथड होता है वो चीज़ हमने पढ़ा हुआ है तो इनमें से क्या इसको पढ़ा हुआ था कभी क्या नहीं इसको पढ़ा पोटेशियम को पढ़ा हुआ था क्या नहीं कैल्शियम कार्बाइड हाँ इसको पढ़ा हुआ है कोटासम नहीं तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी कैल्शियम कार्बाइड को यूज किया जाता है वाटर सोइल uh, uh, में से आपको वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए uh, बहुत क्विक टेस्ट में टेस्ट होता है 5 से सात मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया हम तो यहां पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग साइंस पार्टिकल विद इन डायमीटर स्मॉलर देन पॉइंट टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम आर टर्म एच हाँ पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम से कम होगा तो उसको क्ले बोलते हैं क्ले बोलते हैं और उसका व्हाइल वाइल दो डायमीटर बिटवीन पॉइंट जीरो जीरो टू पॉइंट जीरो जीरो सिक्स पॉइंट अगर सेवेंटी फाइव माइक्रोन से कम यानी पॉइंट जीरो सेवन फाइव से कम है पॉइंट जीरो जीरो टू से बड़ा है तो क्या बोलते हैं सिल्ड तो इसमें क्या आ जाएगा शिल्ड उसके बाद बोल रहा है कि दो बिटवीन पॉइंट जीरो जीरो सिक्स यानी इससे बड़ा हो गया और टू एम एम के बीच में है तो इसको बोलते हैं बेटा सैंड इसको बोलते हैं सैंड अब ये तीन प्रकार से ऑप्शन जो उसको पहले देख लेते हैं क्ले सिल्ट क्ले ये तो गया क्ले ये भी गया ये भी गया बचाइए तो आपका ऑप्शन कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक देखिए यहाँ बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स और उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रेजमेट्रिक कंपास इज मेनली यूज आपको पता है प्रेजीमेट्रिक कंपास किस लिए यूज किया जाता है प्रेजमेट्रिक कंपास से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते हैं और ट्रैवर्सिंग करने के लिए यूज किया जाता है यानी कि ट्रेवेसिंग जो आपका कोई पॉइंट है उसको एंगल दो दो तीन पॉइंट ले लेंगे दो तीन जो आपका ऑब्जेक्ट है डिसाइड करके वहाँ से एंगल निकाल लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है तो बेटा इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही होगा पहले देखिए टू मेजर द हॉर्जेंटल एंड एंगल टू मेजर द वर्टिकल ये वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया गलत हो गया केवल और केवल हॉर्जेंटल एंगल मेजरमेंट करता है वर्टिकल नहीं मेजरमेंट करता है टू सेट आउट द राइट एंगल ऑफ फ्रॉम द सर्वे लाइन ये भी गलत है राइट एंगल के लिए हम ये नहीं यूज़ करते हैं

चैन सर्वेइंग दिया हुआ है इनको हमने मैच कराना है कौन कौन सा सही होगा तो यहाँ पर दिया हुआ आपको मेट्रिक चैन सर्वेयर चैन रिवेन्यू चैन और इंजीनियर चैन दिया हुआ है तो आपको पता होगा कौन कौन सा चैन किसके लिए यूज किया जाता है ठीक आपको पता होगा कौन कौन सा चैन किसके लिए यूज किया जाता है तो जो आपका पहले मीट्रिक चैन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो लेंथ होता है मीटर में होता है पाँच मीटर दस मीटर पंद्रह मीटर और पाँच मीटर दस मीटर बीस मीटर तीस मीटर इस तरीके से यूज किया जाता है तो यहाँ से देखा जाए तो इसका ऐसा कुछ है क्या वाइडलू यूज फॉर वाइडली हाँ ये वाला ऑप्शन सही है पहले का फोर पहले का फोर पहले में फोर कौन किस में किस में है तो ये गया ये गया बचा दो आपका दो बचा हुआ है आपका तो उसको देखेंगे कौन सा सही होगा ना तो उसको देखेंगे कौन सा सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें कि आपका सर्वेयर चैन सर्वेयर चैन की बात करें तो लेंथ सर्वे की जो लेंथ होती है सिक्सटी फीट होता है और हंड्रेड नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं तो बी का कौन सा हो जाएगा वन बी का वन हो जाएगा देखिए ये तो ये इसमें आ गया ये सर्वेयर वाला इसमें चलेगा कि ए का फोर बी का ए का four, B का बी यानी दोनों सही बैच कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं जरा इसको और देखते हैं कितने कौन सा सही होगा उसके बाद इंजीनियर चैन जो होता है इंजीनियर चैन की बात कर करें बच्चा तो इंजीनियर चैन का आपको पता होगा कि हंड्रेड नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं और हंड्रेड फिट का भी होता है ठीक हंड्रेड नंबर ऑफ लिंक होते हैं हंड्रेड फीट का होता है पर टेन फीट के ऊपर एक ब्रास का हम उसमें लगाते हैं ठीक ब्रास का टैग लगा देते हैं यानी कि तीसरे की बात करें तो तीसरे का दो सही है यानी कि सी का टू सी का टू लीजिए ये सही होगा गलत ऑप्शन से हमने मिला लिया ये सही होगा बाकी हमें जानने की जरूरत नहीं है रिवेन्यू चैनल से थर्टी थ्री फीट का होता है अगर रिवेन्यू वाला पता होता तो यहाँ से भी आप कर सकते थे अगर आपको इंजीनियरिंग वाला नहीं पता है यानी कोई एक सर्वेयर का नहीं पता है तो ऑप्शन आपका सही हो सकता था ठीक तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा देखिए यहां बोल रहा है कि यू हैव कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग अंडर वाटर कह रहा है कि अंडर वाटर एक आपको बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो किस प्रकार का लाइम आपको यूज करना पड़ेगा कौन सी लाइम आप यूज करेंगे अंडर वाटर अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है बच्चा तो सबको पता है कौन सा लाइम यूज करते हैं वो लाइम यूज किया जाता है हाइड्रोलिक लाइम क्लियर है हाइड्रोलिक लाइम को यूज करते हैं ठीक यहाँ सही है यहाँ ये हो तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसको इरेज कर दें ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हम देखे दिया हैवी लोडेड आर है अगर हैवी लोडेड आर है तो उसमें कौन सा यहाँ मिक्स रेशियो दिया हुआ है कि कौन सा इसमें से सही होगा जिसको हम यूज करेंगे तो बेटा हैवी स्ट्रक्चर अगर उस पर हैवी लोड आ रहा है तो जो ग्रेड आप कंक्रीट होगा वो भी हैवियर लेंगे जिसका स्ट्रेंथ बढ़िया आ रहा होगा ना हैवियर लोड वाला लेंगे तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन आप आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि सबसे बढ़िया है भी अगर देखा जाए कंक्रीट तो कौन सा यही है तो ये वाला ऑप्शन आप आपका सही हो जाएगा वन संबंध दो संबंधे दो वाला ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हैवियर लोड के लिए हैवियर आपको जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए होगा अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए तो अच्छे क्वालिटी वाला ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यही वाला है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे देखिए एक स्ट्रक्चर बना के दिया आपको ट्रस्ट बना के दिया हुआ है और ये पूछ रहा है किस टाइप का रूफ है ये बना के दिया हुआ है पूछ रहा है किस टाइप का रूफ है तो देखिए किंग पोस्ट है क्या नहीं किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट दोनों नहीं है क्योंकि किंग पोस्ट में क्या होता है कि किंग पोस्ट में क्या होना चाहिए किंग पोस्ट में यहाँ से ये मेंबर ऐसे आना चाहिए फिर ये इस तरीके से ऐड होना चाहिए तब इसको किंग पोस्ट बोलेंगे और क्वीन पोस्ट की अगर बात करें तो क्वीन पोस्ट में क्या होता है क्वीन पोस्ट में होता है कि ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट इसमें होना चाहिए ये भी नहीं सही है इसमें अरेंजमेंट है ही नहीं नेक्स्ट बात करें अगर तो देखिए पर्लिन रूफ तो पर्लिन तो भैया सबके में होता है तो पर्लिन के लिए तो नहीं मना करेंगे लेकिन यहाँ पर रूफ की बात कर क्लोज तो पर्लिन तो सब में होता है तो ये तो ऑप्शन सही होना नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका हो जाएगा कपल क्लोज रूफ कपल क्लोज रूफ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी है कपल क्लोज रूफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए दिया है टिपिकली हैवी मोटार शुड बी है बल्क डेंसिटी हैवी मोटार है तो उसका बल्क डेंसिटी कितना होगा ये तो सबको पता ही होगा कितना होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है पंद्रह सौ होता है हाँ ये ऑप्शन सही हो गया पंद्रह सौ के जी पर मीटर क्यूब होता है ये ऑप्शन सही हो गया आर सी सी के लिए कितना होता है पच्चीस सौ हो जाएगा आर सी सी के लिए पच्चीस सौ हो जाएगा ठीक और पी सी सी के लिए कितना होगा चौबीस सौ हो जाएगा आर बी सी के लिए कितना हो जाएगा आपका नाइन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी हो जाएगा ब्रिक के लिए ब्रिक का जब हम कंक्रीट बना रहे हैं तब के लिए ठीक तो लेकिन यहां पर पूछा हुआ हैवी मोटार के लिए पंद्रह सौ के जी पर मीटर क्यूब हो जाएगा चलेंगे देखिए यहां पर बोल रहा है कि विच आव द फॉलोइंग मेथड ऑफ ग्रेडिंग आप एग्रीगेट आर सैंपल फॉर द फाइन एंड कोर्स फाइन और कोर्स ग्रेन को डिफाइन uh, करने के लिए कौन सा इसमें से मेथड यूज़ करते हैं बाय ट्रेल मेथड ये भी नहीं सही है बाय मिनिमम वाइड रेशियो ये भी नहीं सही है मिनिमम वाइड रेशियो तो कोर्स uh, का कहाँ से बात आ गई फाइन की बात करेंगे फिर तो फाइनेंस मॉडल्स हाँ ये सही है फाइन एंड मॉडल यहाँ ऑप्शन सी आपका सही है इस वाले क्वेश्चन में 53 वाले में क्वेश्चन में आपका ऑप्शन आप सी सही है फाइनेंस मॉडल से हम इसको आपका डिफाइन कर लेते हैं कोर्स और फाइन ग्रेन को ठीक तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ दिया विश ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिक्लेरेशन में किसका इफेक्ट नहीं होता है वेरिएशन नहीं करेगा मैग्नेटिक डिक्लेरेशन का चलिए तो ये भी करेगा एनुअल वेरिएशन में भी होगा ड्यूरनल में भी होगा सेशनल अच्छा सेशनल में नहीं होता बेटा यही ऑप्शन आप आपका सही है इसको सेकुलर भी बोलते हैं इसको सेकुलर वेरिएशन भी बोलते हैं बेटा सेकुलर वेरिएशन भी बोलते हैं तो ये आप ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे ऑप्शन आप सी आपका सही है ठीक ऑप्शन सी सही है आपका यहाँ पे क्योंकि इसका नाम थोड़ा सीजनल लिख दिया है इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को आप लोगों ने हो सकता है सेकुलर दैट्स डाइ मैंने बता दिया सेकुलर भी बोलते हैं इसको तो सही आप पे आप, आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ देखिए ये दिया हुआ है चूज द ऑप्शन ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब ग्रेबल ग्रेबल को बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा बेस्ट हाँ बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है तो देखिए सबसे पहली बात ग्रेवल को बेस्ट डिस्क्राइब करने की बात करें ना तो वो ग्रेवल होता कैसा है ठीक है उसका अगर मैं आपके सामने से सा बना के दिखा दूँ कैसा होता है तो कुछ इस तरीके से आपका एक घर होता है यहाँ पर आपका खिड़की हो गया इधर दरवाज़ा हो गया ठीक तो इसको बोलते हैं आपका हिप ठीक है ये हो गया आपका हिप तो इसमें से ऑप्शन पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे कि कौन सा सही हो सकता है बोल रहा है कि द ट्राइंगल अपर पार्ट ऑफ वॉल फॉर्म एट द एंड ऑफ पीचेज रूप चलिए ठीक है इसको देखते हैं बाद में कंसीडर करेंगे द एंगल फॉर्म एट द इंट, इंटरसेक्शन ऑफ रूफ स्लोप इज नोन एज हिप हाँ ये तो सही है हिप जानते हैं उसको हिप बोलते हैं ठीक है तो यही ऑप्शन आई थिंक देखते हैं पहले अभी इसको प्रिफर में डालते हैं वुड एंड पीसेस ये तो तो कर जरूरी नहीं है कि डिस्क्राइब करेगा लोअर एज ऑफ रूफ विच रेस्टिंग अपॉन ये भी डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करेगा ठीक है ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही है ठीक बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा रिलायबल हो रहा है कि जहाँ पे वो मिलते हैं उसको हिप बोलते हैं उसके साथ लोअर एज ऑफ रूफ विच आर रेस्टिंग अपॉन द प्रोजेक्शन ऑफ बियंड सपोर्टिंग वॉल तो सबके होता है ट्रैंगुलर अपर पार्ट ऑफ वॉल फ्रेम फॉर्म एट द एंड ऑफ द पीच ऑफ रूफ तो तो ये भी तो एंगल ट्राइंगल बन रहा है पीच ऑफ द रूप हाँ ठीक है ये भी चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है दिया हुआ है कि फॉलोइंग मशीन कैन बी यूज फॉर द टॉप स्वाइल रिमूवल जो टॉप सॉइल रिमूव करने के लिए जो मशीन यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बेटा देखिए जैक जैक हैमर नहीं ड्रिल करने के लिए होता है ये स्क्रैपर हाँ स्क्रैपर का यूज करते हैं स्क्रैपर होता है कि ऊपर का जो मिट्टी होता है उसको उखाड़ खड़ा खोद के निकाल दिया जाए हटा दिया जाए या फिर एक तरह से देखा जाए जैसे आपका सॉइल का खोद के लेके आते हो अगर अर्थ उसके लिए ब्रिक बनाने के लिए तो वहाँ पे अपर का अपर का जो घास फूस होता है उसको हटाना पड़ता है तो स्क्रैपर का यूज करते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही है स्क्रैपर ठीक है ऑप्शन बी सही है आपका स्क्रैपर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है रिमूवल रिमूवल आप शटरिंग को रिमूव करने के लिए बोल रहा है स्पेनिंग ओवर सिक्स मीटर सिक्स मीटर से ज़्यादा स्पेन स्पेन अगर सिक्स मीटर से ज़्यादा है तो कौन कितने दिन लगना चाहिए तो रिमूवल आप जो होता है ना अगर सिक्स मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो ट्वेंटी वन डेज हो जाता है अगर सिक्स मीटर से कम हो जाता है तो फोर्टीन डेज होता है रिमूव करने का जो वर्क होता है उसको रिमूव करने का टाइम पीरियड होता है फोर्टीन ऐट डेज होता है तब जब छः मीटर से कम स्पेन हो छः मीटर से ज़्यादा स्पेन है तो ट्वेंटी एट डेज करते हैं तो यहाँ पे बोला हुआ है कि ओवर सिक्स मीटर बोला हुआ है तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही, सही, सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया मैं देखिए ये बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर लिस्ट अफेक्टेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट अफेक्टेड किससे होता है कम से कम अफेक्ट किससे होता है चलिए देखिए माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं जैसे सूर्य की किरण वगैरह आ रही है तो किससे कम से कम प्रभावित होता है तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो प्रभावित होगा उसको डिपेंड होगा वेपर प्रेशर है तो उसमें भी डायरेक्शन उसका चेंज होएगा विंड स्पीड है तो तब भी वो थोड़ा सा कम इफेक्ट करता है लेकिन हाँ ये एयर टेम्परेचर है तो ये इफेक्ट डालता है उसको ठीक ये आपको उसको क्या करता है करेगा, करेगा, तो ऑप्शन फिफ्टी का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अरे यार। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर बना के दिया हुआ है पूछ रहा है फिगर बना के दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है देखिए इस तरीके से बॉल बनाया हुआ किसका है लोम है लोम ठीक जो आपका मिट्टी होता है लोमी मिट्टी होता है ना लोम उसका बाल पहले बना लेते हैं इसे से अपने हाथ पे ऐसे बना के गोल सा लड्डू की तरह जैसे लड्डू बनाते हैं ना पहले उसी तरीके से बना के फिर उसको अगर मैंने हाथ पे कर रहा हूँ तो ठीक है इसको क्या कर रहा हूँ गिरा रहा है बार बार नीचे गिरा रहा है तो कितना बिखर कब जा रहा है तो इसको गिरा रहा है बॉल ड्रॉप टेस्ट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बॉल ड्रॉप टेस्ट बोलते हैं तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही है बॉल ड्रॉप टेस्ट तो फिफ्टी नाइन का बॉल ड्रॉप टेस्ट फिगर देख के पता चल रहा है बॉल ड्रॉप टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक ईट है उसके साइड से उसको कट किया हुआ है साइड से कट किया हुआ है और उसके बाद ऑप्शन दे रहा है कि इसको क्या क्या बोलेंगे देखिए इसका पहले कटा क्या हैडर कटा हुआ है ना तो हेडर कटा हुआ है तो इसको स्प्ले हेडिंग हाँ ये सही है स्प्ले हेडर बोलते हैं अगर इसका ये आपका जो स्ट्रेचर कटा होता था ना तो इसको स्प्लेर स्ट्रेचर बोलते हैं डॉग लेग नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं ब्रिक में वो डॉग लेग स्टेयर होता है अब बिवेल्ड बैट तो होता है लेकिन ये बिवेल्ड है नहीं ये क्या है आपका हेडर की तरफ से कटा हुआ है इस, इसको स्प्ले इस हेडर बोलते हैं ठीक ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आप ए आपका यहाँ पे सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें हाँ देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा फ्लूड मैकेनिक से दिया हुआ है अच्छा है ठीक है लेकिन इजी है देखिए क्या कह रहा है कि इस आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम दो आपको कोई मटेरियल है उनका स्पेसिफिक वैल्यूम एस वन एस टू करके दिया हुआ है तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू होता है ना अगर इससे यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं भी एस से ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ठीक है एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो एस इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन मास क्या होता है वॉल्यूम अपॉन मास होता है ठीक आ, उसके बाद क्या कह रहा है पूछा क्या है? पहले उसको देख ले मास डेंसिटी पूछ रहा है तो जो मास डेंसिटी इक्वल टू होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम होता है ठीक तो यहां से अगर देखा जाए इस मास डेंसिटी को देखा जाए अगर डी वन और डी टू से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एस जो है ना एस क्या है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू है क्या डी वन के ठीक एस अगर देखा जाए डी वन और डी टू एस वन एस टू बात करें एच यूनिवर्सिटली पर्फनल टू डी वन है तो यहाँ पर रोड नोटेशन इसका देख लेते हैं अगर क्या कह रहा है कि एस टू ग्रेटर है एस टू ग्रेटर है एस टू ग्रेटर का मतलब क्या हुआ ये तभी ना बढ़ेगा जब ये घटेगा ये वैल्यू यानी कि जो आपका डेंसिटी है मास डेंसिटी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में घट रहा है तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करेगा बढ़ेगा तो यानी कि यहाँ पे एस टू क्या है ज्यादा बता रहा है यानी कि एस टू ज्यादा हो रहा है वहाँ पे आपका मास डेंसिटी क्या हुआ होगा कम हुआ रहा होगा तो ये या ऑप्शन यानी कि एस टू को ज्यादा बोल रहा है तो ये डी टू हो जाएगा डी टू क्या है कम है तो एस डी वन क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस तरीके से आप इसको कर सकते हो यहां से कोरिलेट करके इसको आप कर सकते हो इजी था नॉर्मल था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए दिया है यहां पे क्वेश्चन आपका फ्लू मैकेनिक्स से दिया हुआ है यू हैव काइनेटिक एनर्जी हाइड्रो काइनेटिक एनर्जी तो हाइड्रोडिक हाइड्रो एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए काइनेमेटिक एनर्जी को अगर हाइड्रोडाइनेटिक डायनेमिक एनर्जी में अगर कन्वर्ट करता है तो उस प्रकार के पंप को क्या बोलते हैं ये चीज़ जानना है काइनेमेटिक ठीक हाइड्रो में कन्वर्ट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पंप ये तो है नहीं मैनोमेट मैं ये भी नहीं है ये भी नहीं है, है रेसिप्रोकेटिंग प्रोग यह भी नहीं है हाँ ये सेंट्र पंप आपका है जो आपको क्या कहते हैं काइनेमेटिक एनर्जी को आपको डायना इसमें हाइड्रोडा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो आपका ऑप्शन आप पर कौन सा हो जाएगा डी सही हो जाएगा ठीक ऑप्शन डी सही हो जाएगा आप लोग अपना मिलाते चले पेपर लेके आए होंगे पर टिक किया होगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है कौन सा नहीं सही हो रहा है ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कर आइडेंटिफाइड द टेक्निक जनरली प्रीफर फॉर द कंट्रोलिंग रफ कंट्री हाँ अगर कोई रफ कंट्री है तो वहाँ पर ट्रेवलिंग लेवलिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं ये चीज़ बोला हुआ है तो कंपास तो लेवलिंग में यूज होना नहीं है प्लेन टेबल सर्वेइंग होनी नहीं है लेबलिंग होनी नहीं है एक बच्चा आपको टाइक्योमेट्रिक सर्वेइंग यही यूज होता है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा टाइक्योमेट्रिक सर्वेइंग हो जाएगा यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपका टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए ये तो ऐसे देखते ही क्वेश्चन मारने वाला ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए ऑप्शन देख लिया उसके बाद यहाँ पर इसमें देखेंगे पहले किसको पूछ रहा है करेक्शन कौन सा पहले पूछ रहा है यहाँ से ऑप्शन तो जीरो हंड्रेड हंड्रेड जीरो होता है लेकिन पहले इसमें देख लें पूछ को रहा है पहले किसको रख रहा है एडिटिव कर रहा है और मल्टीप्लाई तो एडिटिव में होता है जीरो मल्टीप्लाइंग में होता है हंड्रेड तो यहाँ पर जीरो और हंड्रेड ऑप्शन ए आपका सही है ठीक ये तो देखते ही ऐसे ही पता था कि जीरो और हंड्रेड आने वाला है लेकिन बस ये देखना था कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई पहले कर देता तो ऑप्शन चेंज हो जाता इसलिए उसको थोड़ा देखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई पहले बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हाँ ये क्वेश्चन है आपका ट्रेवर्सिंग से दिया हुआ है कह रहा है कि इन क्लोज ट्रेवर्स क्लोज ट्रवर्स है फाइव साइड है ठीक फाइव साइड्स बोल रहा है फाइव साइड्स चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये कोई ट्रेवर्सिंग है ये फाइव साइड्स बोल दिया है इसका ये यहाँ से नंबरिंग करता हूँ वन टू थ्री फोर एंड फाइव कार्नर फाइव साइड्स फाइव ठीक उसके बाद बोल रहा है कि बैक बियरिंग ऑफ लास्ट लाइन इज वन डिग्री वन डिग्री का इसमें क्या आ जा रहा है एरर आ जा रहा है ठीक बैक बियरिंग जो है बैक बियरिंग जो है वन डिग्री आ रहा है नहीं एक डिग्री का एरर आ रहा है तो एक डिग्री का एरर आ रहा है बेटा तो इसको क्या करना है हमने पांच पार्ट में डिवाइड करना है तो इसको क्या कर दूं पांच कार्नर है ना तो पांच देखिए जितना एरर आता है ना सभी में बारी बारी से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं एक जितना एरर आएगा उसमें जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने से डिवाइड करके सभी पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तब हमारा जो करेक्शन होता है वो सही आता है तो वन डिग्री को सिक्सटी मिनट हो गया इसमें फाइव से डिवाइड किया तो कितना आ गया ट्वेल्व मिनट ट्वेल्व मिनट आ गया एक पे ट्वेल्व मिनट होगा तो देखिए पूछा क्या करेक्शन आप थर्ड लाइन थर्ड लाइन देखिए थोड़ा सा अपना भी दिमाग यहाँ से लगा लेना क्योंकि ये थर्ड लाइन फोर्थ लाइन ही क्यों बोल रहा है अदरवाइज सीधे बारह आप मिनट आया हुआ है बारह मार देता सही हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है जितने नंबर आप लाइन पर पूछता है उतने से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है तो देखिए अगर एक पर पूछा होता तो यहाँ पर कितना हो जाता है मिनट दो पर पूछता तो ट्वेंटी फोर थ्री पर पूछा तो थर्टी क्योंकि थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो ट्वेल्व मिनट इंटू थ्री कर देंगे थर्टी सिक्स मिनट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आप आपका ये हो जाएगा बी थर्टी सिक्स मिनट हो जाएगा जिन जोन से साइड पे पूछा होता है उतने नंबर आपसे मल्टीप्लाई कर देना अगर यहाँ पे फाइव पे पूछा होता ना फाइव पे पूछता तो क्या करना पड़ता हमने कि ट्वेल्व मिनट इंटू फाइव तो आ जाता है सिक्सटी मिनट यानी कि एक डिग्री हो जाता इस तरीके से करते हैं इसमें जितने साइड पे पूछे उतने से मल्टीप्लाई कर देना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे देखिए यहाँ पे बोला है कि फॉर्म द गिवेन ऑप्शन आइडेंटिफाइड द टूल यूज टू इंजीनियर टू गेट कॉन्स्टेंट लेवलिंग इस टाइम अच्छा ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कॉन्स्टेंट लेवलिंग के लिए यूज किया जाता है ठीक है ये चीज बताना हमने कॉन्स्टेंट लेवलिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है यही बताना है हमने ठीक है तो देखिए कांस्टेंट लेवलिंग टाइपैच ये तो खैर अलग चीज़ है वो ट्राईपोर्ड के ऊपर रख के कुछ करते हैं अरेंजमेंट वो अलग है थीडोलाइट थीडोलाइट में लेवलिंग तो करेंगे लेकिन कॉन्स्टेंट एंगल में जाना वर्टिकल ऑरिंटल एंगल एबनी में एबनी लेवल अलग हो गया तो यहाँ पे एक ही बचा आपका आटो लेवल तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा आटो लेवल आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन आप यहाँ पे सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हाँ ये देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड कांस्टेंट परसेंटेज मेथड सिंकिंग फंड मेथड ये आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड कांस्टेंट परसेंटेज मेथड सिंकिंग फंड मेथड एंड क्वांटिटी सर्वेइंग मेथड आर यूज टू डिटरमाइन डिप्रिसिएशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है बच्चा किसके लिए डिप्रिसिएशन को यूज करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका ठीक है ऑप्शन ए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रोपर्टी आइडेंटिफाइड वन दैट आर विद द वैरिज विद द वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है तो उसके साथ क्या क्या वैरीज करता है देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ना वो स्ट्रेंथ को अफेक्ट uh, करता है सेटलमेंट यानी कि कंप्रेसिबिलिटी को अफेक्ट करेगा और परमिबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है परमिबिलिटी करेगा हाँ करेगा जब सेटलमेंट ज़्यादा हो रहा है तो प्रमेबिलिटी होगा तो इसमें से ऑप्शन सब सही हो जाएगा ए बी सी डी ऑप्शन डी सही हो जाएगा ठीक है यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कह रहा है स्पेसिफाइड द करेक्ट फार्मूला फॉर द ईयर परचेज ईयर परचेज फ्रॉम द बिलो मेंशन ऑप्शन ईयर परचेज का जो फार्मूला होता है ना बेटा वो होता है पी रेट अपॉन हंड्रेड अपन रेट हो जाता है तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा ठीक इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए जब वॉल बना के दिया हुआ पूछ रहा है किस टाइप का वॉल है ये तो देखिए जो अगर इसको बनाए मैं इस तरीके से एक लाइन में हेडर हेडर और दूसरे में स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर देखिए यहाँ पे स्ट्रेचर 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 हेडर 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 तो यहाँ पे देखिए यही दिया है पहले में दिया है कि स्ट्रेचर अगर यहाँ से देखिए इस साइड से अगर देख रहा हूँ तो यहाँ से देखूँ अगर इस से देख रहा हूँ देखिए हमें सामने से दिखेगा क्या हैडर है सॉरी स्ट्रेचर 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 दिखेगा ठीक है ये इस तरीके से दिखेगा सामने से सा अगर देखा जाए और फिर उसका दूसरे लेयर में जो कह रहा है दूसरे लेयर में जा रहे हैं तो इस तरीके से ये रखा हुआ कि इधर से दिखेगा इसका यानी एक लाइन में मेंडर हेडर, हैडर है हेडर हे, दूसरे में स्ट्रेचर स्ट्रेचर तो ऐसा कौन सा अरेंजमेंट होता है जिसमें हैडर हेडर, हेडर दिखता है स्ट्रेचर 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 दिखता है वो होता है आपका कौन सा इंग्लिश बॉन्ड होता है ठीक लेकिन यहाँ पे वन ब्रिक हाफ ब्रिक एंड हाफ इंग्लिश इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगा यानी सी ऑप्शन यहां पे आपका सही है कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन आपका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका सलाम टेस्ट है सलाम कौन है स्लम कोन है इसकी हाइट दे रखी है ट्वेल्व इंच मतलब बारह दोनों चौबीस छत्तीस तीस इंच तीस हो गया और उसका स्लम कोन हैविंग एट इंचज डायमीटर एट द टॉप एट इंचेज यानी कि ये आपका एट का मतलब कितना हो गया टेन एट इंचज मतलब ट्वेंटी अच्छा नीचे वाला हो गया ना ट्वेंटी ठीक तो अब क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अच्छा इसमें जो कंक्रीट फील किया जा रहा है कह रहा है थ्री इक्वल लेयर ऑफ हाइट थ्री इक्वल लेयर बाय हाइट फोर ये तो गलत होगा फोर इक्वल लेयर ऑफ बाय वॉल्यूम ये भी गलत है बाय वॉल्यूम नहीं होता है बाय हाइट होता है फोर इक्वल में डालते हैं फोर इक्वल लेयर में डालते हैं लेकिन बाई हाइट डालते हैं वन फोर्थ पे लेते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं थ्री इक्वल लेयर ऑफ बाई वॉल्यूम हाँ यही सही है थ्री इक्वल लेवर में बाई बलूम से डालते हैं अगर यहाँ पे हाइट दिया होता बेटा ये हाइट दिया होता ना तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता ठीक बी वाला ऑप्शन सही हो जाता अगर हाइट दिया होता तो लेकिन यहाँ पे दिया हुआ बालूम तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थ्री वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा लेकिन थ्री वाला सही हो जाएगा फोर इक्वल नहीं 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 ठीक 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 आपका यही होगा फोर वाला ही होगा आपका फोर वाला ही होगा ये वाला फोर ऑप्शन सही है ये वाला सही है ऑप्शन आपका फोर इक्वल लेयर बाई वॉलूम कर लेंगे हाइट होना चाहिए था खैर वॉलूम दिया हुआ तो ठीक है वही होगा थ्री इक्वल लेयर आप वॉलूम में तो कर नहीं सकते फाइव फोर लेयर में ही डालते हैं हमेशा तो ये वाला हो जाएगा आपका ये ठीक बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए एक फिगर बना के दिया हुआ फिगर भी क्लियर कुछ है नहीं ज़्यादा फिगर ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है पूछ रहा कि ये है क्या ठीक इसके इंस्ट्रूमेंट इसके नाम तो भी नहीं दिया हुआ कि क्या क्या चीज़ें नहीं वहाँ से भी क्लियर हो जाता ठीक तो देखिए तो ये जो होता है इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो यहाँ पे देखिए आपको उसमें रीडिंग दिखाता है ये टेलीस्कोप हो गया ये इसका आपका वर्टिकल फ्रेम हो गया इसमें देखिए ये वर्टिकल आपका वो लगा हुआ है वर्टिकल चक्री यानी उर्ध्वाधर चक्री वर्टिकल चक्री दिया हुआ है ठीक तो वर्टिकल प्लेट भी है यहाँ नीचे है तो वर्टिकल प्लेन किस प्लेट किस में होता है वर्टिकल प्लेट होता है आपका थीडोलाइट में यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा थीडोलाइट ऑप्शन आप आपका सही है ये क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट जो दिखाया गया थीडोलाइट है आ, होने का तो जियोमीटर भी हो सकता था लेकिन थीडोलाइट है जियोमीटर अलग टाइप का होता है थीडोलाइट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ ठीक है पॉइंट ए बी ठीक है एक पॉइंट ए बी है अपार्ट क्रॉस ऑफ रिवर रिवर कोई है इस तरीके से मान लेते हैं रिवर कोई है इसका पॉइंट ए और बी है पॉइंट ए और बी हो गया हमारे पास ये इसका लेंथ दे दिया सिक्सटीन हंड्रेड मीटर सिक्सटीन हंड्रेड मीटर दे दिया हुआ है ठीक और बोला ये पॉइंट ए है और ये बी है पॉइंट ए और बी हो गया और कह रहा है क्या है कि टू डिफरेंट बिटवीन लेवल ए एंड बी हैं ऐसे कैसे हो सकता है लेवल कैसे बता दूं जब तक दिया ही नहीं हो ठीक है हाँ तो इसमें मिसिंग डेटा है बेटा इसमें यहाँ ए और बी करके दिया रहना चाहिए था ठीक है यहाँ यहाँ आपको वो देना चाहिए था इसका आपको एक और डेटा मिसिंग है यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर तो नहीं कोई है नहीं हो पाएगा डेटा मिसिंग है तो इस क्वेश्चन का नंबर सबको बराबर बराबर मिलने वाला है उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे डेटा मिसिंग है यहाँ एक डेटा देना चाहिए था ए और बी पर कितना आपका वो आया हुआ है लेबलिंग कितना है वो चीज देना चाहिए था नहीं दिया हुआ डेटा मिसिंग है तो इसके लिए घबराने की जरूरत है नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन <coughs> दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ ऑर्डिनेट थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट फोर वाट विल बी दस एरिया बाई दिम अच्छा सिमसन रूल से बोला हुआ है तो सिमसन रूल का देखिए क्या होता है ना सिमसन रूल से जब एरिया निकालते हैं बेटा एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू हो जाता है डी बाई थ्री डी डी क्या गैप है फर्स्ट फर्स्ट प्लस लास्ट रीडिंग जो होता है प्लस टू इंटू ऑड नंबर वाली जो होती है जो ऑड नंबर वाली होती है उसको लिखते हैं प्लस फोर इंटू इवेंट सॉरी इवेंट नंबर वाली सम संख्या और विषम संख्या वाली बात होती है यहाँ पे ठीक तो देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट कौन सा ये ये एफ हो गया ये क्या हुआ लास्ट हुआ तो इसको कैलकुलेट करेंगे डी डी का वैल्यू दिया हुआ पंद्रह तो फिफ्टीन वन थ्री ब्रैकेट में हो जाएगा वन पॉइंट फाइव प्लस फोर पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव प्लस फोर पॉइंट फोर टू इन टू और नंबर और नंबर देखिए वन टू थ्री एंड फोर तो ऑर्ड कौन सा हुआ ये थ्री पॉइंट थ्री तो टू इंटू थ्री पॉइंट थ्री हो जाएगा प्लस फोर इंटू इवेंट नंबर का जो होगा टू पॉइंट फोर इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कितना आएगा देख लेंगे वैल्यू कितना आएगा उसको देख लेते हैं सॉल्व करके

बेटा 110 आ रहा है इसका आंसर इसका आंसर आ रहा है 110 इसमें से देख ले 110.5 समथिंग आ रहा है मीटर स्क्वायर में इसमें से ऑप्शन में मिलाते हैं कौन सा सही है 110 110 कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो नियर अबाउट ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा बेटा ठीक है ऑप्शन बी यहाँ पे सही कर लेंगे हम घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं दिया है तो कुछ अलग ही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली डिफाइंड करेक्टली डिफाइंड द सब्सिडरी स्टेशन ठीक है सबसे हाँ पहले ऑप्शन पढ़ लेते सब्सिडरी स्टेशन जो उसको डिफाइन करने के लिए क्या है सब्सिडरी स्टेशन पहले समझ लेते हैं क्या होता है ना कि कोई आपको जैसे लाइन स्टेशन होता है मेन स्टेशन होता है उनके बीच में एक छोटा छोटा स्टेशन प्रोवाइड करते हैं वो किस लिए करते हैं कि जो डिटेलिंग करने के लिए होता है कि छोटे छोटे जो चीजें ऑब्जेक्ट छूट जाता है उनको डिटेल करने के लिए सब्सिडरी स्टेशन का यूज किया जाता है वहां से डिटेलिंग कर लेते हैं अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है स्टेशन वेयर ऑब्जर्वेशन आर नॉट मेड बट द एंगल स्टेशन ये तो गलत हो गया कंट्रोल पॉइंट ऑफ ट्रैंग नेटवर्क ये भी गलत है पॉइंट ऑफ प्रोवाइड एडिशनल रे टू इंटरसेक्ट पॉइंट पॉइंट क्लोज टू मेन ये दोनों ऑप्शन सही हो रहा लग रहा है मुझे लेकिन ज्यादा रिलेटिवली ये वाला सी वाला ऑप्शन लग रहा है ज्यादा रिलेटिवली आपको ऑप्शन सी लग रहा है यहाँ पे मुझे तो ऑप्शन सी आपका सही होगा यहाँ पे ठीक तो है ये यह, यही सही सी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका इस सेवेंटी वाले में ऑप्शन सी सही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे चले देखिए यहां दिया हुआ है क्वेश्चन 76 का देख लेते हैं क्या है 76 का बोला है आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच ऑफ द होल्ड द ट्रू इन द केस ऑफ डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आप रेनफोर्स डब्ल्यू डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के लिए कंसिडन कंडीशन दिया हुआ पूछ रहा क्या क्या चीज़ हो सकता है कि डब्ल्यू बी भी रेनफोर्स बीम यूज किया जाएगा ठीक न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ ऑफ ट्रू यानी कि एक्स ए दिया हुआ है यानी एक्स ए बोल दूँ या एक्स यू दिया हुआ है उसके बाद पूछ रहा है डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के लिए कौन सा कं, कंडीशन सही है इफ इज लेस देन अगर देखिए एक्स इज लेस देन एक्स सी हो जाएगा तब तो ये आपका अंडर रेनफोर सेक्शन हो गया फिर इस केस में तो आपका डब्ल्यू बीम बनने वाला नहीं है नेक्स्ट बात करें greater ग्रेटर देन द of ऑफ क्रिटिकल axis हाँ ठीक है एक्स से इज ग्रेटर देन एक्स सी हो गया यानी कि एक्स यू लिमिटिंग एक्स यू ग्रेटर देन लिमिटिंग हो गया ये होता है आपका डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के लिए ठीक ये होता है तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होगा बी ऑप्शन सही है बाकी को पढ़ने की जरूरत है नहीं हमने हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कोई बात नहीं दो घंटा तो हो गई घंटे हाँ देखिए यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन कि ट्रायंगुलेशन टेक्निक है इसमें क्लासिफाइड द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्राइंगुलेशन डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ कवर्स एरिया ऑफ कवर्स दिया इसके बाद पूछ रहे थे करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ बेस लाइन बेस लाइन के लेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है ये चीज़ पूछा हुआ है तो इसको हम बताते हैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें होगा आपसे सही होगा देखिए इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन सा सही होगा उसको मिलाना है हमने ठीक उसको मिलाना है तो जो प्राइमरी वाला होता है उसको देख लेंगे क्या होगा और सेकेंडरी वाला जो होगा उसको देखेंगे क्या क्या होगा थर्ड टर्सियरी जो है उसको देखेंगे क्या होगा फिर उसका ऑप्शन में सबको मिलाना है ठीक तो अभी तो मेरे जो आपका लेंथ मेजरमेंट करने का जो कर, क्राइटेरिया होता है ना प्राइमरी वाले का सबसे ज़्यादा होता है ठीक तो प्राइमरी वाला ग्रेटर हो जाएगा उसके बाद होता है सेकेंडरी वाले का सेकेंडरी वाला उसके बाद आ जाएगा टर्सरी थर्ड में आ जाएगा प्राइमरी का होता है आपका सबसे ज़्यादा गिर जाएगा प्राइमरी होता है आपका सबसे ज्यादा होता है ठीक जो प्राइमरी होता है उसमें जो कैलकुलेट करते हैं लेंथ होता है फाइव टू फिफ्टीन किलोमीटर तक होता है फाइव टू फिफ्टीन किलोमीटर होता है ठीक है फाइव टू फिफ्टीन किलोमीटर किलोमीटर हो जाएगा और दूसरे वाले में वन पॉइंट फाइव से फाइव मीटर हो जाता है फाइव मीटर हो जाता है तीसरे की बात करें अगर तीसरा यानी टर्सरी वाला होगा तो पॉइंट फाइव से थ्री किलोमीटर अगर इसका मैक्सिमम बात किया जाए तो फिफ्टीन किलोमीटर तक इसका बात किया जाए तो तीन किलोमीटर तक इसका बात किया जाए तो फाइव किलोमीटर तक हो तीन किलोमीटर तक होता है तो यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम जो मेजरमेंट करेंगे फिफ्टीन किलोमीटर इसमें फाइव किलोमीटर इसमें थ्री किलोमीटर ठीक टर्सरी वाले में तो ये आपका ऑप्शन ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए यहाँ बोला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू केस ऑफ द टिम्बर एंड स्टील शटरिंग टिम्बर और स्टील शटरिंग के केस में कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये चीज पूछा हुआ है तो देखिए इजियर टू डा ईजियर टू डिसमेंटल टिम्बर फॉर्म कंपेयर टू स्टील ये गलत है ईजी नहीं करते हैं नेक्स्ट है स्टील फॉर्म एब्जॉर्व मॉइस्चर यह भी गलत है स्टील मॉइस्चर को कंक्रीट के और इसको करता ही नहीं है ठीक नेक्स्ट बात करें स्टील फार्म स्ट्रॉन्गर ड्यूरेबल हाँ ये स्ट्रॉन्गर ड्यूरेबल लॉन्गर एंड टिम्बर फ्रेमवर्क का देर ये ऑप्शन सही है आपका सी स्टील जो है स्ट्रोंग होता है ड्यूरेबल होता है लॉन्ग टाइम तक चलने वाला होता है रिमूवल होता है इसको बार 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 हम यूज कर सकते हैं जबकि टिम्बर वाला जो आपका फार्मवर्क है उसको दो से तीन बार में यह, हमारा ये क्या होता है ख़राब होने जाने लगता है ठीक ऊपर से वाटर को भी करता है आपका कंक्रीट में से जबकि आपका स्टील वाला नहीं करता है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है इसके लिए ठीक है कौन सा सही है ऑप्शन ऑप्शन सी सही है की बढ़ेंगे. दिया हुआ कि एज पर आई एस वन जीरो सेवन इतना कोड आर लेस नॉट लेस देन अगर देखिए नॉट लेस देन होता है मैक्सिमम देखिए थ्री का टेबल पढ़ते जाओ आप थर्टी फाइव का टेबल पढ़ते जाओ थर्टी फाइव सेवेंटी वन जीरो फाइव ठीक ये होता है आ, तो ये मैक्सिमम ये बी सी क्लास बी क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात कर रहा है देखिए यहाँ बोला हुआ है फर्स्ट क्लास ब्रिक तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात कर रहा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो जो आपका ये आ रहा है फर्स्ट क्लास के लिए कौन सा हो रहा है 105 तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही होगा बी अगर 105 नहीं होता दूसरा कुछ होता है तो यहाँ पर सौ दिया होता तो सौ सही हो जाता ठीक हंड्रेड सही हो जाता, जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसको इरेज कर देते हैं देखिए दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली डिटरमाइंड बाय द सब्सटेंस 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 बार 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 देखो पहली बात बता दूं bar, जब यूज किया जाता है ना मैक्सिमम 200 मीटर के लिए यूज किया जाता है उसका मेजरमेंट करने के लिए तो यहां से 200 मीटर वाला ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा या है डिस्टेंस अप हां देखिए दिया यहां ऑप्शन बी सही हो जाएगा शार्ट डिस्टेंस अप टू तो 200 मीटर पहले ही बोला था 200 मीटर के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए दिया ईडीएम इंस्ट्रूमेंट वर्क प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है देखिए प्रिंसिपल इसका यकी यह, यही है कि ये क्या करते हैं कि जो ईडीएम को यूज करते हैं तो उसका प्रिंसिपल यही है कि रिफ्लेक्ट करके आता है जब कोई चीज जो रेज हम ड्रॉ करते हैं एक फ्रिज में होता है दूसरी साइड में जहाँ पर लेंथ मेजरमेंट करना होता है वहाँ पर फ्रिज में रख देते हैं जो आपका ईडियम है उसमें से हम उसको रेज मतलब कि देखते हैं वहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होकर आता है फिर वो हमें मेजरमेंट दे देता है अथवा दे, तो उसका कितना लेंथ है तो यहाँ से ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन सा रिफ्लेक्ट एनर्जी जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है ये तो गलत हो गया इसको नहीं देखेंगे टोटल टाइम टेकन टाइम तो नहीं देखा जाता है चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ये भी गलत है द फेज डिफरेंट बिटवीन द फेज डिफरेंट फेज डिफरेंट अच्छा ठीक 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 क्या करते हैं जो रिवर्स गया फिर रिवर्स हो गया टोटल देते हैं उसमें टू से डिवाइड तो आपसे यहाँ से डी आपका सही लग रहा है डी आपका सीधी बात है आपको इतना जाना इसका जो प्रिंसिपल होता है क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होकर मैग्नेटिक वेव जो होता है आपका वापस सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्या सही है बोला फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ अप्रोक्सीमेट ऑप्शन वाटर सीमेंट रेशियो डायरेक्टलीफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द टिपिकल वाटर सीमेंट रेशियो डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट वायरिज बिटवीन ठीक है यहाँ से डायरेक्ट यही वाला ऑप्शन सही है ठीक जो वाटर समेंट रेशियो डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट ग्रेड के लिए यूज होता है पॉइंट फोर से पॉइंट सिक्स के बीच का लिया जाता है पॉइंट फोर से पॉइंट सिक्स विक के बीच के लिया जाता है और आपका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसीड होने हाइड्रेशन प्रोसीड होने के लिए प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए चाहिए होता है पॉइंट थ्री फाइव लेकिन स्ट्रेंथ बढ़िया चाहिए वर्केबिलिटी भी सही होना चाहिए स्ट्रेंथ ज़्यादा इफेक्ट भी ना हो तो पॉइंट फोर से पॉइंट सिक्स तक का हम लेके चलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए दिया है यहाँ पे कि कंसीडर द कोफिशेंट ऑफ पैसिव पैसिव प्रेशर इज गिवेन बाय के पी वाट बिल्ड द वैल्यू ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्टिव देखिए के पी दिया हुआ है कि फोर तो हमें पता है एक रिलेशन के ए इंटू के पी इक्वल टू होता है वन तो के ए इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई के पी यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा वन बाई फोर ऑप्शन कौन सा सही बी ठीक है ये रिलेशन होता है इसे निकाल लेंगे यहाँ से हो जाएगा ऐसे ठीक इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इसको इरेज कर देते हैं ऑप्शन आप आपका बी सही था ये दिया विच आव द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड देखिए स्टैंडर्ड ग्रेड के लिए पूछ रहा है सीधी सी बात एक होता है 15 टू 20 एम 15 टू एम 20 फिर होता है एम 25 से लेकर के एम 45 एक होता है ग्रेटर देन एम 55 ये कौन सा होता है हाई स्ट्रेंथ वाला होता है हाई स्ट्रेंथ 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 ये medium strength, ये मीडियम होता ordinary strength. Ordinary होता है है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ठीक तो मीडियम स्ट्रेंथ के लिए पूछा है स्टैंडर्ड या मीडियम स्ट्रेंथ के लिए पूछा है तो कौन कौन सा होगा 25 से 55 के बीच का कोई ग्रेड दिया होगा तो वही हो जाएगा मीडियम वाला यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं पच्चीस से हाँ ये है आपका एम ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ से ग्रेड ऑफ कंक्रीट का इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे देखिए दिया है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द सेटिंग आउट ऑफ एंगल एंगल को सेटिंग आउट करने के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता है इंस्ट्रूमेंट तो देखिए यहाँ बोला है ऑफसेट तो ऑफसेट रॉड हाँ ऑफसेट रॉड तो नहीं यूज करते हैं क्रॉस स्टाफ तो ठीक है इसको भी एंगल 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए ऑप्टिकल ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं तो ये ऑप्शन आपका ये वाला सही है जिसका एंगल मेजरमेंट करने के लिए यूज किया नहीं जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे कह रहा है कि रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज क्वेरिंग क्वेरिड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टोन कह रहा है कि नीचे से जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सा सही है जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल वहां से निकाला जाता है तो जो सीमेंट का यूज किया जाता है क्या उसमें ग्रेनाइट होता है नहीं मार्बल होता है नहीं बसाट होता है नहीं ये कोई नहीं होता है ऑप्शन तो कौन सा सही है लाइमस्टोन यहां पे ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा लाइमस्टोन ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए दिया हुआ यू हैव प्रोवाइड विद द सैंपल ऑफ सोइल यू हैव टू डिटरमाइन द वाटरस कंटेंट ऑफ गिवेन सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी हेल्पफुल इन द नेरियो अगर आपको एक वो दे दिया गया है सॉयल का सैंपल दे दिया गया बोला कि उसमें से कौन सा है जो फॉलोइंग में दिया हुआ कि उससे आप वाटर सीमेंट नहीं अरे सॉरी वाटर सीमेंट बोल रहा हूँ कहाँ मैं भी चल रहा हूँ यार वो तो आपको क्या करते हैं वाटर कंटेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज करते हैं पिग्नोमीटर मेथड यूज करते हैं पीपेड नहीं पीपेड तो नहीं यूज करते हैं ड्राई ये ड्राई वोमन ड्राई मेथड तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा पीटेड पीपेड वाला हो जाएगा यहाँ पूछा कैन नॉट बी ना यहाँ बोला हुआ कि कौन सा यूज नहीं किया जाता है कैन नॉट बी ऑप्टेंट टू हेल्पफुल इन गिवेन सर यू तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा प्रीपेड मेथड जो है यूज नहीं किया जाता है ऑप्शन आप सी आपका सही हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा देखिए ये फिगर बना के दिया हुआ है और उसके बाद पूछ रहा है कि ये है क्या ठीक तो किसी को तो ये तो नहीं ना लग रहा है कि ली चटेरियर है ये लग रहा है क्या अगर लग भी रहा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया ठीक लग भी रहा होगा तो ऑप्शन नहीं दिया तो उसको कैंसिल आउट ही करो ठीक तो ये होता है आपका एरो बोलते हैं सर्वे में यूज किया जाता है एरो जब हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं ना तो वहाँ पर एरो एक आपका लिंक खत्म होता है जो च, आपका सॉरी लिंक बोल रहा हूँ एक चैन मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ एरो गाड़ देते हैं ताकि जो आपका पीछे वाला फॉलोअर होता है जो पीछे एक होता है आपका लीडर एक होता है फॉलोअर जब चैन सर्विंग करते हैं तो लीडर के पास एरो होता है वो क्या करता है जहाँ पे पहले मेजरमेंट करेगा जैसे इस तरीके से मेजरमेंट किया आपका ये यहां पहुंचा तो यहां पे वो क्या करेगा एक एरो डाल देगा फिर आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला जो होगा जो फॉलोअर होगा वो यहां पूछेगा इसको ऊपर लेगा फिर वहीं पे लगाएगा अपना इसका जो हैंडल होगा चैन का ठीक इस तरीके से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन एरो सही है दिया दिया देखिए दिया ईडीएम से चार पांच क्वेश्चन पूछा हुआ ईडीएम से एडवांस सर्वेइंग में आता है ईडीएम ठीक

यानी कि वन ये होगा सेकेंड नंबर पे आपका फ्लोकुलेशन, थर्ड पे आपका हो जाएगा सेडिमेंटेशन, आ, फिल्ट्रेशन जो आपका ये है ना ए ए रहेगा सबसे लास्ट में तो ए देखिए देखिए इसमें नहीं है तीन में बचा हुआ है और मैंने बोला कि सी पहले रहेगा सी पहले रहेगा यानी सी इसमें पहले है बाकी किसी में नहीं है तो सब ऑप्शन कैंसिल आउट बाकी हमें नहीं याद है तो ऑप्शन ये हमारा यहाँ से सही हो जाएगा ठीक बाकी हमें नहीं याद है तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा अगर ऑप्शन से देखा जाए तो अगर इस तरीके से मिलाने चलने लग जाओगे तो फिर मिलाओ फिर कोई दिक्कत नहीं है आपका ये तीसरा जो आपका सेडिमेंटेशन है थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पर आ जाएगा इस तरीके से आप मिलाते हुए जा सकते हैं आगे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ ऑप्शन ये सही हो गया था देखिए बोल रहा है कि कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ सिंकिंग फंड डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ बिल्डिंग एंड ऑफ इसमें फिर फिल करना है तो इसमें लैंड सलवेज मार्केट हाँ स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा इसमें से ये ऑप्शन सही कौन सा होगा डी सही होगा स्क्रैप वैल्यू होता है कैलकुलेशन सिंकिंग फंड जब करते हैं सिंकिंग फंड करते हैं तो वहाँ पर स्क्रैप वैल्यू आता है आपका आंसर में ठीक स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें यहाँ बोला आइडेंटीफाई इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्रोफिस द रेट ऑफ फ्लो एज वेल एज टोटल फ्लो रेट ऑफ फ्लो भी दे और एज वेल एज टोटल फ्लो भी दे तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दिया और फिस मीटर ठीक है ये तो लगभग सही है ये नहीं सही है पीजो मीटर फ्लो मीटर पीजो फ्लो मीटर ये भी सही लग रहा है एनोमीटर आपका यहाँ पे ऑर्फिस मीटर हो जाएगा बेटा ऑर्फिस मीटर यहाँ पे सही हो जाएगा और पीजो मीटर भी है दोनों ऑप्शन सही है आप देखिए आयोग कौन सा देता है पीजो मीटर भी है और आपका ऑर्फिस मीटर भी है तो जिसमें आपको डिस्चार्ज मेजरमेंट करता है और टोटल डिस्चार्ज भी देता है ठीक तो अब आयोग जो देता है उसके अनुसार देखा जाएगा ऑप्शन तो दोनों सही लग रहा है मुझे लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा आपको ऑर्फिस मीटर को 93 नंबर आप क्वेश्चन को देख लेते हैं होर सर्कल बियरिंग दिया हुआ है प्रिज्म दिया ग्रेजुएशन सर्कल दिया हुआ है देखिए प्रिज्मेटिक कंपास दिया उससे रिलेटेड बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा उससे रिलेटेड बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो उसको देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मिला के देख लेंगे कौन कौन सा सही हो रहा है तो जो ग्रेजुएशन सर्कल होता है आपका ग्रेजुएशन सर्कल है वो क्या कहाँ पे यूज किया जाता है उसको देखिए उसके बाद मिलाते चलेंगे जो ग्रेजुएशन सर्कल होता है एल्यूमिनियम ग्रेजुटेड रिंग मार्क बिथ जीरो टू हाँ ठीक है ये हो गया का दो ए का दो किस में किसमें तीन में है तो ये नहीं है तीन में मिल गया ए का दो मिल गया ठीक प्रिज्म में क्या होता है प्रिज्म में क्या होता है टू रीड ग्रेजुएशन ऑन द रिंग टेक द एग्जैक्ट रीडिंग बाई कम्पास करेंगे हेयर स्ट्रोक डैम्प ऑक्लेसन हाँ तो देखिए ये दूसरे का प्रिज्म में जाएगा तीसरा रीडिंग करने के लिए आपका बी का थ्री बी का थ्री किसमें है इसमें नहीं है यानी दो बचा दो कंडीशन हमारे पास बचा हुआ है दो कंडीशन बचा इसमें से देख लेते कौन सा सही है अब उसके बाद ऑब्जेक्ट वेन है कैरिंग ए क्रॉस एयर सी का फोर सी का फोर अब ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा है? ये बी वाला आपका कैंसिल आउट हो गया ठीक ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें मिला लीजिएगा आप लोग ऑप्शन ए सही है यहां से देखिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बोल रहा है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है तो बोल रहा है कि कपल रूफ है नहीं कपल रूफ अभी पिछले दिया हुआ था कैसा था कपल रूफ आपने देखा हुआ था वहाँ किस टाइप का था लीन टू रूफ हाँ ये सही है लीन टू रूफ ये लीन टू रूफ ही है सिंगल रूफ नहीं लीन टू रूफ है सिंगल रूफ मतलब वो फ्लैट भी हो सकता है इनक्लाइंड नहीं कॉलर बीम कॉलर बीम बीमला होता है वो टाई इसी होता है कॉलर बीम इसी तरीके से होता है जो आपका ये कपल बीम है ना कपल रूफ है उसी के तरीके से होता है कॉलम बीम भी ये कॉलर बीम भी तो वो नहीं है तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी सही है यहाँ पे ऑप्शन बी लीन टू रूफ है ये क्वेश्चन को देखते हैं 95 फाइव क्वेश्चन को देखते हैं इसमें दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि एक्जेक्ट देखिए मेथड ऑफ मेजरिंग मेथड ऑफ मेजरिंग को करना पढ़ना उसके बाद इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट द ग्रेट कंसिडर द मेजरमेंट फॉर देंटिंग चौखट हाँ ये तो सही है उसके बाद अनइवेंट सर्फेस और कन्वर्टिंग इकूबल प्लान मल्टीप्लाइंग द द्लॉस ये गलत है पीस यूज टू सेनेटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क आर मेजर इन टू रनिंग मीटर रनिंग मीटर में तो मेजर करते हैं सैनिटरी एंड वाटर पाइप्स यूज हाँ ये तो रनिंग मीटर में करते हैं मैन होल आर डेप्थ रेंज फ्रॉम इज नॉ देर ग्राउंड अंडर द सेलो सेलो तो ये भी है देखिए इंच में दिया हुआ ये भी सही है तो यहाँ से ऑप्शन मुझे फिर से दो सही लग रहा है एक ए और सी और एक और डी ए और डी ए और सी और ए और डी ए और लेकिन ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा अगर इसको ज़्यादा प्रेफरेंस में आएगा हमारा डी ऑप्शन इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको चेंज भी कर सकता है वैल्यू तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे सैलो कैटेगरी में नहीं आ सकता था तो ए और सी तो कम फिक्स है कि ए और सी होगा ही होगा अब देखो आयोग आयोग कौन सा ऑप्शन सही करता है यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और सी और ए और डी दोनों सही है ए और डी दोनों सही है लेकिन ज्यादा प्रीफर करेंगे मैं मैं, मैं प्रीफर करूंगा डी को तो देखते हैं आयोग कौन सा ऑप्शन देता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें दिया है ब्लीडिंग और सब कुछ दिया हुआ है इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है ठीक देखिए ब्लीडिंग क्या होता है ब्लीडिंग क्या होता है दैट डिफ्यूजन ऑफ कंट्रोल कलर मटीरियल देखिए ब्लीडिंग में क्या होता है उसको समझाते हैं कि ब्लीडिंग जो होता है ना कंक्रीट में अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो जाता है या फिर कंपेक्शन ज़्यादा कर देते हैं तो जो उसका वो होता है ना पेस्ट होता है सीमेंट का वो ऊपर आने लग जाता है सरफेस के ऊपर आने लग जाता है तो हो ये होगा डिफ्यूजन ऑफ कलर ऑफ मटेरियल अवर कोट ऑफ दही हो गया तो आप देखेंगे ए का दो किस्में किसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं है बचा दो अब दूसरा क्या है ब्लिस्टरिंग देख लेते हैं ब्लिस्टरिंग क्या होता ना? Volume. Volume या क्या है ना वॉलूम वॉलूम क्या कहता है फूल जाता है फूलना होता है वॉलूम हो जाता है उसमें स्वेलिंग होने लग जाता है तो सी का क्या हो जाता है फर्स्ट तो सी का फर्स्ट इसमें देखें किसमें है सी का फर्स्ट देखे किसमें है डी में है और बाकी इसमें नहीं है तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया डी सही हो गया यहीं से सही हो गया ऑप्शन डी सही हो गया यहाँ पे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें इसका देखते हैं देखिए कैन नॉट बी एक्सी टू हेल्प द देखिए इसमें दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग टू कंसिडर दूमेंटेंटाइड कैन नॉट बी एक्सक्यूटिड विद द हेल्प ऑफ टिपिकल थ्रीडोलाइट की हेल्प से कौन सा नहीं कर सकते हैं थ्रीडोलाइट की हेल्प से कौन सा नहीं कर सकते हैं मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल कर सकते हैं मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये नहीं कर सकते हैं तो ये एक ऑप्शन ये सही होगा क्योंकि यहां पर बोला हुआ कैन नॉट तो ये ऑप्शन एक सही हो सकता है डिटरमाइन द एरिया ऑफ ग्राउंड डिटरमाइन द एरिया ऑफ ग्राउंड ठीक ये भी नहीं कर सकते हैं तो ये भी ऑप्शन सही है लोकेट द पॉइंट ऑफ लाइन्स ये तो कर सकते हैं तो यानी कि यहां पर दो और थ्री थ्री ऑप्शन जो भी होगा वो सही होगा यानी ऑप्शन कौन सा हो रहा है डी यहाँ पे दो और तीन किस में सही हो रहा है डी में तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए यहाँ पर दि, बोला डिटरमाइन द दम्पेक्शन कम, फैक्टर ऑफ कंक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे दिया हुआ है और देखिए पहली बात कि जो कंपेक्शन फैक्टर होता है उसका फार्मूला क्या होता है कि पार्शली कंपेक्टेड अपन जो अच्छे से कंपेक्ट किया होगा वो तो यहाँ पर देख लेते देखिए वेट ऑफ पार्सली कंपेक्टेड है ए से दिया हुआ है ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वेट ऑफ फुल्ली कंपेक्टेड तो इसका कंपेक्शन फैक्टर जो हो जाता है ना वो हो जाएगा ए बाई बी क्या हो जाएगा ए बाई बी तो ए बाई बी ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही है हाँ बी ऑप्शन सही है आपका तो ये ऑप्शन आप आपका बी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए दिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल टू इन रिज्यूटिंग एसिड रैन एसिड रैन को रिड्यूस करने में कौन सा आपका इसमें से हेल्पफुल है देखिए गैसिफ अगर इसको छोड़े गैसिफ तो नहीं अभी कंसीडर करते हैं दूसरे देखें यूजिंग द कोल अगर कोल अगर देखिए कोल को हम क्या करेंगे जलाएंगे तो उसमें से आपका कार्बन डाई कार्बन निकलेगा तो क्या अगर अफेक्ट करेगा वो एसिड रेन होने के चांसेस हो जाएंगे तो ये तो नहीं सही है यूजिंग हाई सल्फर सल्फर की वजह से भी एसिड रेन होने के चांसेज है ये भी गलत है सल्फर ये भी गलत है तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर गैसिफ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्या हो जाएगा गैसिफ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दिया है कि द फॉलोइंग यूनिट एंड वर्क आर्बी और वर्क और जो होगा उसको किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं तो बेटा आपको पता हो जाना चाहिए ब्रिक जो हुआ या फिर आर सी सी हुआ या फिर कंक्रीट हुआ क्यूबिक मीटर में उसको मेजरमेंट करते हैं क्यूबिक मीटर मेजरमेंट करते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही है बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है क्यूबिक मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे चूज द करेक्ट ऑपन डिफाइन दिशा डिफाइन करना है ठीक है कौन सा ऑप्शन सही है उसको देख लेंगे देखिए द वैल्यू ऑफ एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड ऑफ ये तो गलत हो गया ये गलत हो गया ये नहीं है द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल यह भी गलत है द वैल्यू वैल्यू विच कैन बी ऑप्टेन बाई एनी पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द ऑपर ओपन मार्केट ये भी गलत है तो आपका ऑप्शन आप डी ही सही होगा जब तीन गलत ही होगा तो डी सही होगा डी ऑप्शन सही करते हैं इसमें ठीक ऑप्शन आप डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे पहुंच गया हम तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हैविंग अ थिकनेस और डिपोजिट देखिए डिपोजिट का थिकनेस दे दिया है डेल्टा एच इक्वल टू दिया हुआ है अगर सॉरी एच का वैल्यू दिया हुआ है एच इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर उसके बाद वाइड रेशियो दिया हुआ वाइड रेशियो दिया हुआ है ई इक्वल टू दिया है वन ठीक आफ्टर गोइंग अंडर द सेटलमेंट फाइनल वाइड रेशियो फाइनल वाइड रेशियो दिया है ई फाइनल दिया हुआ है आपका जीरो पॉइंट फोर और उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेटल फाइनल थिकनेस पूछा है यानी डेल्टा एच पूछा हुआ है तो एक हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा एच अपन एच इक्वल टू होता है डेल ई अपन वन प्लस ई डेल ई अपन वन प्लस ई होता है अब इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट देखिए सॉरी 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 मिस्टेक मिस्टेक ये हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट फोर अपान वन प्लस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा एच अपान फिफ्टीन ये हुआ ठीक तो ये कितना हो जाएगा अब यहाँ से अगर ऑगस्ट प्रोसीड करें इसमें डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स इंटू फिफ्टीन अपन वन पॉइंट फोर फिफ्टीन वन पॉइंट फोर हो जाएगा सॉरी अरे पॉइंट फोर कहाँ से वन ही तो है वन दिया हुआ गलती हो गया गलती वन 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 अब वन वन टू हो जाएगा ठीक तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव मीटर अब देखो 4.5 सेंटीमीटर अब देख लो इससे ऑप्शन कौन सा सही है 4.5 सेंटीमीटर ये ऑप्शन सही है यहाँ से इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ये देखिए दिया हुआ है कि फोर्स दिया है डी द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड लेंथ लेंथिफाइड मोडिफाइड करके दिया हुआ है, इतना व्हाट द फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी एनर्जी पूछा हुआ है तो सीधे वर्क डन इक्वल टू तो कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट होता है तो ठीक है तो फोर्स का वैल्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट थ्री डी तो कितना दिया विश ऑफ यूनिट इज टोटल स्टेशन टोटल स्टेशन में पूछ रहा है कि यूज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डेटा कलेक्टर डेटा कलेक्टर के तौर पे कौन सा यूज किया जाता है डेटा कलेक्टर नहीं स्टोरेज सिस्टम नहीं माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है वहीं से कैलकुलेशन होता है आपका तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही होगा माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि यू विश टू चेक द क्वालिटी ऑफ टिम्बर विद द हेल्प ऑफ साउंड साउंड की तरह जैसे ब्रिक होता है ना ब्रिक तो ब्रिक का अगर टेस्ट करते हैं साउंड तो उसको क्या कहते हैं दो ब्रिक लेके आपस में टकराते हैं अगर उसमें मेटलिक साउंड आता है तो इसको बोलते हैं अच्छे प्रकार का ब्रिक है अदरवाइज बोलते हैं ख़राब है तो इसी तरीके से टिम्बर में भी क्या करते हैं दो टिम्बर लेके आपस में स्ट्रक कराते हैं तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा हाँ ऑप्शन बी आपका सही है दो टिम्बर को लिया आपस में स्ट्रक कराया ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा ठीक ऑप्शन बी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखिए बोला है ओवर हेड टैंक है उसकी कैपेसिटी 50 लीटर है इज इज बिल टू सोसाइटी व्हाट बिल द ऑफ प्रोजेक्ट तो पर अरे यारे तो वेरी इजी हो गया सीधे एक लीटर का दिया हुआ है 50 लीटर दिया हुआ है तो 50 में एक थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक तो ये इतना हो जाएगा ये ऑप्शन आप आपका डी सही होगा तो बहुत ही ईजी था सीधे मल्टीप्लाई करना था इतना भी ईजी नहीं देना चाहिए नेक्स्ट ने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखिए यहाँ है, पे डिफ्लेक्शन एंगल पूछा हुआ देखिए डिफ्लेक्शन एंगल होता क्या है अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है एक लाइन इधर आया तो ये जो एंगल बनता है इसी को डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं अगर ये बता दो अगर ये टोटल एंगल कितने वन हो नाइन्टी होगा क्यों बोल रहे सर वो वन नाइन्टी डिग्री का होगा एंगल पूरा तो अगर वन नाइन्टी में से अगर 180 में से ये वाला है, इसको थीटा इंक्लूड एंगल बोलते हैं इसको जो थीटा इसको इंक्लूड एंगल बोलते हैं थीटा को माइनस कर दूं 180 में से थीटा को माइनस कर दूं तो आपका ये डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा मिल जाएगा तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा ए ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्या लिखा हुआ कट गया है कट गया है सॉल्वेंट मैन्युफैक्चर अच्छा कोटिंग करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है तो वो होता है ईस्टर बेटा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ईस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अच्छा ये दिया है लेटिट्यूड और डिपार्चर बच्चा इसका मैं साठ कर तरीका आप लोगों को बता दू भाई इस वाले से हमें मतलब ही नहीं है सीधे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ यहाँ पे इसको डिफाइन करो कौन कौन सा कितनी दूर है और आपको लेंथ डिटरमाइन करना है तो लेंथ डिटरमाइन कर लो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिटरमाइन करोगे इस तरीके से लेंथ निकालने के लिए आ जाएगा तो अगर इसको तीन ये चार आ गया यानी तीस और चालीस आ गया तो इसको ये एल निकालना तो एल इक्वल टू रूट में क्या हो जाता है तीस का स्क्वायर प्लस चालीस का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा फिफ्टी एम एम फिफ्टी मीटर यहाँ से ऑप्शन आप बी आपका सही हो जाएगा वेरी इजी अगर फार्मूला से कैलकुलेट करने चले जाओगे तो आपको टप पड़ जाएगा सीधे ग्राफ सिस्टम बनाओ यहाँ से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो इस वाले से करने लग जाओगे तो टप हो जाएगा यहाँ ऑप्शन आप आपका कौन सा हो गया बी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अच्छा देखिए दिया हुआ है कि पॉइजन रेशियो दे दिया है सॉइल का यानी म्यू का वैल्यू दिया है जीरो पॉइंट सिक्स और उसके बाद पूछ रहा है कि पैसिव प्रेशर एट रेस्ट एट रेस्ट पर पैसी प्रेशर चाहिए एट रेस्ट पे चाहिए रेस्ट पे तो ये हो जाता है म्यू ओ पान वन माइनस म्यू ठीक म्यू ओ पान वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स अपान वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स तो ये वैल्यू आ जाएगा वन पॉइंट फाइव अब देख लो वन पॉइंट फाइव ऑप्शन कौन सा सही है हाँ बी ऑप्शन यहाँ पे सही है ये यह आपका यही फार्मूला होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ये फिर आपको मैच कराने के लिए आ गया है फिर आपको मैच कराने के लिए आ गया है इसको मैच कराना है कौन सा सही है ठीक है देखिए सोडा लाइम ग्लास सोडा लाइम ग्लास क्या होता है कब यूज किया जाएगा तो यूज द मैनुफेक्चरिंग ऑफ ग्लास नहीं यूज मैनुफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफियल नहीं यूज द मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्लास ट्यूब हाँ पहले का ये सी सही है पहले का सी सही अब सी सही यानी पहले में थर्ड फर्स्ट में थर्ड कौन कौन से में नहीं है उसको कट कर देते हैं बचा दो हमारा ठीक दो बचा हमारा दो बचा तो उसमें देख लेंगे कौन कौन सा सही है अब देखिए दूसरा देखिए पोटास लाइम किस लिए यूज किया जाता है पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाँ पोटास लाइम जो यूज किया जाता है मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्लास तो बी में फर्स्ट बी में फर्स्ट इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है सर इसमें भी आ रहा है ठीक 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 इसमें भी आ रहा है नेक्स्ट और आगे बढ़ाएगा ये टब बना रहा है क्वेश्चन को टब बना रहा है नेक्स्ट की बात करें अगर सी पे जाए सी पे जाए लेड जो पोटास लीड ग्लास होता है वो किस लिए यूज होता है तो उसको देख लेते हैं लीड ले� तो होता है आपका यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लस हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए दूसरा तब सी में सेकंड देखते हैं किस में है सी में सेकंड किसके लिए है जो रिमेनिंग बचा हुआ हमारा बी और सी बचा हुआ है तो ये वाला ऑप्शन आप आपका सही हो जाएगा गलत हो जाएगा यानी ऑप्शन आप बी आपका यहाँ से सही है इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन आप बी सही हो जाएगा ऑप्शन सही मिलाओगे तब जल्दी से होगा रहती टप पड़ जाएगा फिर सारा मिलाने में आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सौ पच्चीस हां देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू मीटर टू हंड्रेड मीटर लॉन्ग दिया हुआ है एक अच्छा एक रोड है टू हंड्रेड मीटर लॉन्ग है उसका बिर्थ दे दिया है कि फोर मीटर है ठीक बिर्थ फोर मीटर है उसके बाद फाइव मीटर थिक कवरिंग सरफेस है फाइव सेंटीमीटर कवरिंग सरफेस है यह जो हो गया फाइव सेंटीमीटर हो गया और उसके बाद बोला है कि ट्वेंटी सेंटीमीटर आपका डीप ग्रेवल है ट्वेंटी सेंटीमीटर ग्रेवल है तो ठीक है तो ये कितना होगा टोटल अगर लेंथ इसका टोटल ब्रर्थ की बात करें तो कितना होगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हो गया ठीक ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इसका वॉलूम निकालूँ तो वॉलूम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा टू हंड्रेड लेंथ इंटू ब्रथ इंटू हाइट हो जाएगा ब्रथ कितना फोर इंटू हाइट कितना ज़ीरो पॉइंट टू फाइव आ जाएगा कितना दो हज़ार ही आ जाएगा मीटर क्यूब दो हज़ार मीटर क्यूब आ गया ये और इसके बाद क्या करना है जब हम क्या करते हैं बॉक्स का निकालते चलते बॉक्स कटिंग का जब वॉल्यूम निकालते चलते हैं तो इनका वन फोर्थ करते हैं तो टू थाउजेंड का वन फोर्थ करेंगे कितना हो जाएगा अगर इसको ए मानूँ तो ये आ जाएगा आपका फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड आ जाएगा ठीक है फाइव हंड्रेड आ जाएगा और उसके बाद क्या करना पड़ता है जो ये वॉल्यूम आया है इसमें से माइनस कर देना पड़ता है बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए बॉक्स कटिंग का निकालने के लिए तो वॉल्यूम माइनस ए कर देंगे यानी टू थाउजेंड माइनस फाइव हंड्रेड आ जाएगा आपका फिफ्टीन हंड्रेड मीटर क्यूब ठीक तो इसमें से देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है ये ऑप्शन डी सही है फिफ्टीन मीटर क्यूब ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए इसमें से पूछ रहा है कौन सा आपका जो इसमें मैच कराया हुआ कौन सा सही है चेक वाल टू द फ्लो वाटर इन द नहीं ये गलत है सर कंट्रोल वाटर। हाँ ये सही है ये ऑप्शन सही है फिर आपका ये यानी कि एक सौ चौदह से देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है टोटल टोटल स्ट्रेंथ कैन बी डिटरमाइंड टू तो यूज द कैलकुलेट टोटल स्टेशन किस लिए यूज होता है एंगल सही है वर्टिकल एंगल सही है पी नहीं स्लोपिंग सही है लेवल ये भी गलत है तो एक दो और चार आप जो जिसमें आएगा वो सही है हाँ ये डी में आएगा ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है टोटल स्टेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखते हैं 116 सो वाला कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ठीक देखिए दिया हुआ है रेड डिस्क्राइब द टोटल इफिशियंसी ऑफ सेंट्री पंप पम्प पंप का एफिशियंसी का डिस्क्राइब करने के लिए बोला है रेशियो ऑफ मैनिमेट्रिक टू नहीं ये गलत है ये गलत है पहला गलत है करट रेशियो ऑफ एनर्जी सप्लाई ये तो ठीक इसका उल्टा हो गया और द रेशियो ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द इम्पलर टू एनर्जी ये भी गलत है रेशियो ऑफ एक्चुअल हाँ ये सही है आप, आपका आप ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए एक सौ वाला जो क्वेश्चन था नेक्स्ट चलेंगे आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज करते हैं सत्रह वाला क्वेश्चन जो उसको देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे देखिए दिया है कि यू हैव कैलकुलेट द लोड फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द रिजल्ट इन रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम लोड यही वाला ऑप्शन सही लग रहा है ऑप्शन ए सही लग रहा है यहाँ पे रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल डिजाइन ये तो गलत है ठीक ऑप्शन ए सही है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कट गया हुआ है कटा हुआ है क्वेश्चन तो देखिए हम जरा देखते हैं क्या क्या चीजें दिया हुआ है उसको कर लेते हैं क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है टू लीटर टू लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर वेट द इट्स द फाउंड इतना न्यूटन वेट जो दिया हुआ है थ्री न्यूटन दिया हुआ है क्या पूछा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिक्विडिंग द वेट ऑफ कंटेनर टू बी निगलिजिबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ठीक तो और किस में पूछ दिया हुआ वैल्यू लीटर पर के में दिया हुआ है ये वैल्यू आपका न्यूटन में है तो इसको क्या करना है वॉल्यूम अपन डब्लू करना है टू लीटर ये है टू लीटर हो गया अपान थ्री न्यूटन दिया है न्यूटन से जब हम आपका उसमें कन्वर्ट करते हैं के जी में तो नाइन पॉइंट एट वन से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ता है नाइन पॉइंट एट वन से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या करूंगा टू अपान थ्री अपान नाइन पॉइंट एट वन कर दूंगा ये वैल्यू आ जाएगा टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन अपान इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सिक्स से अब ऊपर ही आएगा सिक्स से ज़्यादा ही आएगा तो सिक्स वाला ऑप्शन देख लेते हैं हाँ देखिए सिक्स से ज़्यादा यही ए ऑप्शन सही है तो ऑप्शन भी ए सही हो जाएगा यहाँ सिक्स से ज़्यादा ही वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा देखिए दिया हुआ है मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी अच्छा ये दिया हुआ है इस तरीके से कोई चीज़ है इसका एंगल दे दिया है इसका एंगल दे दिया है कि एस ट्वेंटी फाइव डिग्री ईस्ट ट्वेंटी फाइव डिग्री ईस्ट दिया हुआ है और उसके बाद वेस्ट में दे दिया है वेस्ट में वेस्ट में ये दे दिया हुआ है कि फाइव डिग्री वेस्ट है तो पूछ रहा है कि इसका व्हाट इज़ द ट्रू बियरिंग द ट्रू बियरिंग टू टू बिरंग इक्वल टू क्या हो जाता है जो एंगल दिया हुआ है अगर वेस्ट में होता है तो क्या करना पड़ता है माइनस करना पड़ता है लेकिन लेकिन तब माइनस करते हैं जब नॉर्थ में हो अब ये क्या आ गया साउथ में आ गया तो क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ पे ये जो है आपका एस ट्वेंटी फाइव ईस्ट है इसमें क्या करना पड़ेगा फाइव वेस्ट ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा एस थर्टी ईस्ट हो जाएगा ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा अगर वेस्ट में जाता है और नीचे जो आपका मैग्नेटिक डिक्लेरेशन मैग्नेटिक लाइन है वो अगर साउथ में चला जाता है तब ऐड करना पड़ता है अगर वही नॉर्थ में रहता तो माइनस कर देना पड़ता है ये कितना हो जाएगा एस थर्टी यानी कि ऑप्शन आप ए आपका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आ चुका है बहुत आ चुका है कि क्या क्या चीजें करना पड़ता है कैसे कैसे करना पड़ता है ठीक ठीक तो इसमें हमें ये पता होगा देखिए सबसे पहला देखते हैं क्या बोला है करना है सटरिंग को रिमूव करना है तो 16 से 24 घंटे में कौन सी टाइप का सटरिंग हटाते हैं 16 से 24 घंटे में वर्टिकल फ्रेम जो देखिए वर्टिकल फॉर्म वर्क कॉलम या फिर वॉल होगा उसको सबसे पहले निकालते हैं तो ये हो जाएगा 24 घंटे वाला ये तो ए का थ्री कौन कौन सा उसको रहने देते दे बाकी को हटा देते हैं नेक्स्ट बात करते हैं बी का सेवन डेज में कौन सा हटाते हैं सेवन डेज में जो होना स्लैब का जो पा पोर्स होता है उसको होता है प्रॉप जो होता है उसको हटाते हैं अप टू फोर पॉइंट मीटर अगर 4.5 पॉइंट फाइव मीटर ज़्यादा होता है तो 14 दिन हो जाता है लेकिन 4.5 मीटर के लिए बोला हुआ है तो बी का ऑप्शन आप आपका चौथा हो जाएगा तो बी के लिए फोर कौन में है इसमें है और इसमें इसमें भी है ठीक और इसमें नहीं है तो इसको हटा देंगे कर। बचा हमारे पास दो फिफ्टी फिफ्टी का हमारे पास वो हो गया फोर्टीन डेज में किसको हटाते हैं फोर्टीन डेज में आपका वो प्रॉपर टू बिम ये हो जाएगा फोर्टीन डेज में कहा गया ये फोर्टीन डेज में दूसरा वाला यानी कि सी का टू सी में टू किस में है सी में टू आपका ये सी वाले ऑप्शन में सी में टू है ठीक तो और इसमें वन दिया हुआ तो ये आपका गलत हो गया ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे देखिए ये वॉल बना के दिया हुआ पूछ रहा है किस प्रकार का वॉल है ये ठीक है किस प्रकार का वॉल है तो रैकिंग हेडर और रैकिंग स्ट्रेचर करके होता है दो वाल्व होता है तो रैकिंग वाला वाल्व है और कौन से टाइप का है ये स्ट्रेचर वाला वाल्व है तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा रैकिंग अब

ग्रेनाइट एंड अच्छा देखिए जब कीमती हमारा पत्थर होता है ना जब बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर होता है तो वहाँ पे हम उसको बहुत आसान से सही शेप में निकालना पड़ता है टूट तोड़ फोड़ के नहीं निकालना है तो ब्लास्टिक तो नहीं कर पाएंगे वहाँ पर वेजिंग भी टफ़ हो जाता है क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है ये बोरिंग तो करेंगे नहीं तो यहाँ पे हीटिंग प्रोसीजर करते हैं हीटिंग हीट कर देते पत्थर को अचानक से फिर उसको क्रैक्स हो जाता है हीट हो जाता है दूसरी टाइप आपका जो स्टोन होगा कोल्ड होगा तो उसमें क्रैकिंग आ जाए जिसकी वजह से अचानक से टूट के निकल जाएगा तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा होगा हीटिंग सही हो जाएगा चैनलाइज भी नहीं करेंगे चैनलाइज तब करते हैं जब हमारा पत्थर जो है ना सॉफ़्ट सौ, हो तब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन द कॉलम 200 हंड्रेड इंटू दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ कॉलम बियरिंग कैपेसिटी यानी कि बियरिंग कैपेसिटी अगर बीपी बोलूं बियरिंग कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है 150 फिफ्टी किलो न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेटर है इन सबसे तो कोई मतलब नहीं खैर उसका टोटल वेट बोल रहा है कि तीन है तीन किलोमीटर टोटल वेट है अगर फुटिंग का पूछ रहा है फुटिंग का एरिया फुटिंग पूछ रहा है ना तो जब फुटिंग का हम डिजाइन करने जाते हैं तो जो लास्ट वाला वेट दिया रहता है इसको टेन परसेंट इनक्रीज करा देते हैं अब देखिए टेन परसेंट इंक्रीज करा के अगर इसी में इसके बेयरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर देते तो एरिया निकल जाएगा हमें नहीं निकलेगा क्या प्रेशर फोर्स प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया अगर एरिया निकालना है तो प्रेशर आपका यहाँ आ जाएगा ना यानी बेयरिंग कैपेसिटी फोर्स में डिवाइड कर देंगे तो इसको टेन परसेंट इंक्रीज करेंगे तो जब एरिया निकालेंगे तो तीन सौ तीस इंटू टेन परसेंट इंक्रीज करने का मतलब अपन डिवाइड कर देंगे वन फिफ्टी से ठीक है तो ये ऑप्शन आपका देखते हैं कितना आता आंसर एक मिनट तीन सौ तीस इंटू वन पॉइंट वन डिवाइड बाई वन फिफ्टी फोर टू आ जा रहा है ऑप्शन आपका यानी ऑप्शन ए आपका सही है ऑप्शन ए यहां पे आपका सही है फोर फोर टू ऑप्शन ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दिया है द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी ठीक है अच्छा दे दिया है क्या ही गलत दिया है ये इस तरीके से दो लाइनें हैं ठीक ये दिया है कि 20 डिग्री एंड 15 मिनट है और ये दिया हुआ है कि 100 डिग्री एंड 30 मिनट है और पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द इंक्लूड एंगल तो देखिए इंक्लूड एंगल इक्वल टू होता है बेटा इंक्लूड एंगल को अगर पूछे तो इंक्लूड एंगल इक्वल टू होता है फोर बियरिंग माइनस वन प्लस माइनस बैक बियरिंग बैक बियरिंग ठीक है और जब ये बैक बेयरिंग 180 से ज़्यादा हो जाता है तो माइनस ले लेते हैं 180 से कम होता है तो प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए फोर बेयरिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 डिग्री और 15 मिनट हो जाएगा माइनस वन एट्टी प्लस प्लस कितना 100 एंड 100 डिग्री एंड 30 मिनट तो ये पूरा अगर इसको ऐड करें तो ट्वेंटी डिग्री फिफ्टीन मिनट माइनस टू डिग्री और थर्टी मिनट अब देखिए जब ये आंसर जो फाइनल आंसर माइनस में आता है ना तो उसमें थ्री सिक्सटी एड कर देते हैं तो देखिए आंसर कितना आ गया टू सिक्सटी डिग्री थर्टी मिनट अब सॉरी थर्टी मिनट तो नहीं फिफ्टीन मिनट हो जाएगा फिफ्टीन मिनट हो गया तो अब देखिए ये कैसा आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा है जब आंसर माइनस में आ जाता है तो उसमें थ्री क्या करते हैं 360 डिग्री ऐड कर देते हैं अब इसको ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा निन्यानवे डिग्री और 45 मिनट आ जाएगा इसमें से देखते हैं ऑप्शन कोई सही है हाँ ऑप्शन आप बी आपका सही है 99 डिग्री एंड 45 मिनट ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फाइनल क्वेश्चन लास्ट हमारा यही क्वेश्चन है इसके बाद एनालिसिस सारा सही हो जाएगा <coughs> देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द स्पेसिंग ऑफ क्रास स्टेडिया ट्वेल्व एम एम एंड द फोकल लेंथ ऑफ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेंटीमीटर तो देखिए सीधी इस बात क्या करा है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट पूछ रहा है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट के लिए फार्मूला होता है एफ अपन आई सीधी इस बात एफ अपन आई फार्मूला होता है तो एफ का वैल्यू कितना फोर्टी फोर सेंटीमीटर आई का वैल्यू कितना ट्वेल्व एम एम ठीक तो अब क्या करना है दोनों को सेम यूनिट में रखना होता है दोनों को सेम यूनिट में रखना होता है तो मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की बात करें सेम यूनिट में रखना है तो क्या करूँ ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर है अब इसको भी अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ एम mm में है ये वैल्यू एम mm में है तो इसमें टेन से डिवाइड करेंगे यानी वन हो जाएगा ये सेंटीमीटर तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर आ जाएगा ट्वेंटी सॉरी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल और यूनिटलेस हो जाएगा तो मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट जो हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है ऑप्शन आप ए आपका सही हो रहा है ठीक ऑप्शन आप ए आपका यहाँ पे सही हो जा रहा है तो इसी के साथ आपका सारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया अब देखिए आप लोग क्या करना सारा क्वेश्चन जो सॉल्व कराया गया है तो 125 हो गया तो टोटल सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया इसमें से आप मैच कराना कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है आपका ऊपर से आप देखिए डिपेंड करता है आयोग कौन से ऑप्शन को सही करता है जैसे दो एक दो क्वेश्चन का आपने देखा हुआ था जिसका लग रहा था कि नहीं इसमें मिसिंग डेटा है तो उसका आंसर तो सबको मिलने वाला है ठीक है तो यहाँ से सब कुछ कंप्लीट होता है आई होप कि आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन हुआ हो सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का बधाई हो आप लोगों को बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मिठाई उठाई भिजवा देना हम लोग भी खा लेंगे चलिए ठीक है आज के लिए थैंक यू तो करिए जल्दी आ